गुड मॉर्निंग यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जो भी देख रहे हैं, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जो भी आपको नहीं समझ आता, आपको लगता है कि आर्थिक समीक्षा के अंदर में हमें ये और होना चाहिए था इसके अंदर में, या ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, कल वाली क्लास में करवा दीजिए। तो जब भी आप यूट्यूब पर देखते हो या ऐप के ऊपर में देखते हो, तो वो उस चीज़ को वहीं पर कमेंट करके बता दिया करो। नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं लगेगा। वैसे जो वही करवाया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे समीक्षा, आर्थिक समीक्षा खोल के देखोगे, उसमें बहुत सारे डाटा भरे पड़े हैं, आपको हर पेज पे बहुत सारे डाटा मिलेंगे, आपको आइडिया नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है। लेकिन अब तक का जो अपना प्रोसेस रहा आरपीएससी का है, जैसे किसी भी छोटे एग्जाम में भी है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से जैसे ये वाले में भी से कुछ पॉपुलेशन है उनमें से आ सकते हैं आपके, तो उनमें जितना भी ही आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही करना होता है, बाकी चीजें छोड़ देनी होती है। बाकी चीजें स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, सांख्यिकी में आती है, फालतू के डाटा होते हैं जो आपको गवर्नमेंट के लिए उपयोगी होते हैं, आपके लिए कभी भी उपयोगी वो नहीं रहेंगे। तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं सारी जितनी है, हो सकता है थोड़ा जैसे योजनाएं वगैरह आज जैसे हम करेंगे, कृषि की योजनाएं शुरू कर रहे हैं, तो कृषि की योजना रिलेटेड है, बागवानी से रिलेटेड योजना है, वो सारी थोड़ी सी देखेंगे, जितनी आज हो पाएगी उतना कर इस वाली क्लास में कर लेंगे, नहीं तो दूसरी क्लास में भी कर लेंगे। अब ये देखना है कि जो सारी योजनाएं यहाँ पे जितनी दी गई है वो सारी हम करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जैसे भी मेंस में क्वेश्चन आता है, ये ज्यादातर पूरा सेक्शन रहेगा वो मेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। पूरा आज का जो है क्लास वो पूरी मेंस के लगभग अकॉर्डिंग है, एक दो पॉइंट आएंगे जो प्रीलिम्स के वो बता दूंगा। बाकी इसको देखना है कि जब आप योजना कोई भी यहाँ पे बता रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया दो नंबर का, इस तरीके से पांच नंबर का या दस नंबर में इसको एक साथ में पूछ लिया, तो उसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। तो आज दूसरी वाली क्लास है, उसके अंदर में देखते हैं कि हम देख रहे थे अभी तक कृषि और संबंध क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्र के जो डेटा थे वो हमने कल देख लिए थे, होपफुली सबको याद होंगे, रिवीजन करते रहना उनका साथ साथ में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी देखा था, कृषि के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, वो देख लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी स्कीम्स क्या क्या है, जो कृषि के जो हम बात कर रहे थे इतना उत्पादन होता है ऐसा करना चाहिए, तो उसको जो सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर जो बजट भी हमने देखा था कि इतना हमें अनुदान देते हैं, इतनी साख देते हैं, इसमें इतना खर्च करते हैं मार्केटिंग में, स्किल में इतना खर्च करते हैं, तो उसके साथ में कौन कौन सी स्कीम्स है जिनके थ्रू इनको सपोर्ट किया जाता है फार्मर्स को। तो कुछ होगी स्कीम्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की होगी, कुछ हॉर्टिकल्चर्स की होगी, इस हिसाब से अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, उससे लेना देना नहीं। ये सारी आज वाली जो हम कर रहे हैं वो सारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम है वो है। अब ये काम एक हो सकता है, कुछ स्कीम छोटी होगी, कुछ बड़ी स्कीम्स होगी, कुछ होगी स्कीम जिनको पांच नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूछ लेंगे तो वो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो वो पांच नंबर में पूरा तैयार करना है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो वो यहां पे सारा हमने उसमें से सर्वे में से अलग करके लिख लिया है। लेकिन कुछ स्कीम होती है जो सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मेजर स्कीम्स है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर के अंदर में सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपको सारी जो स्कीम है, कुछ स्कीम होगी जो वन लाइनर होगी, सिंपल ट्रेनिंग देना है ये चीज है, तो वो चीज आपको सारी पॉइंट्स है ना वो याद होने चाहिए, कि अगर आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे स्कीम में क्वेश्चन आ जाता है तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो हमें लिखनी है, ठीक है। तो जैसे पहली स्कीम से शुरू करते हैं, ये है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो आपको पता है कि ये इस नाम से पता लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, कि ये बीज से रिलेटेड होगी। जो सीड होता है किसी भी प्लांट के लिए, जो कॉटन आपका बोल दो, कपास का बोलो, गेहूं का बोलो, कोई सा भी सीड है, उसके वितरण से संबंधित योजना है। तो यहाँ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या बोलते हैं कि गुणवत्तापूर्ण जो बीज है उनके उत्पादन को किसानों को बढ़ावा देना है, क्योंकि यहाँ पे स्वावलंबन देखो कि ताकि अपने पैरों पे अच्छे बीज है वो किसानों के पास उपलब्ध हो जाए, खुद से वो अपना उपज ले सके उन बीजों की, ताकि उनको वो खरीदने की जो कॉस्ट होती है, अच्छे बीज खरीदने की जो कॉस्ट होती है वो न लगे, तो ताकि उनका प्रोडक्शन भी बढ़े। और क्योंकि उस किसानों को पता भी नहीं होता है कि कौन से बीज अच्छे होते हैं कौन से नहीं होते, तो इस हिसाब से ये योजना लाई गई थी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा अपना, कि किसानों को अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन है उसको बढ़ावा देना है। स्टार्टिंग में ये शुरू हुए, काफी साल हो गए हैं, स्टार्टिंग में इसको कोटा भीलवाड़ा और उदयपुर में शुरू किया गया था। कहां शुरू किया गया था, कोटा भीलवाड़ा उदयपुर में शुरू किया गया था। हो सकता है प्रीलिम्स में इसमें से ऐसे नहीं पूछे कि कहां शुरू किया गया था उसको, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अब ये सारा 10 के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है उनमें शुरू कर दी है। राजस्थान है ना, उसको कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, अगर ज्योग्राफी किया तो 10 जो कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया वो आपको पता है, तो उनमें सब में शुरू कर दी गई है। पहले एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको कोटा भीलवाड़ा और उदयपुर में शुरू किया था। तो आपसे बाई चांस ये दो नंबर पूछ
लेंगे मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना क्या है, तो आपको इतना लिख दोगे सफिशियंट है, क्योंकि 15 वर्ड लिखने होते हैं और लिखने का तरीका भी धीरे धीरे आप सीख लो कि किस तरीके से लिखना है। तो आपको पूछा गया है, आप लगा दो कि मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना पूछे, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्ता बीज, जो बीज है गुणवत्तापूर्ण बीज है, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना। और पहले ही उसको कोटा बिल बढ़ा दिया, पूछे शुरू किया था, अब 10 के 10 जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है या बोल दो कृषि जलवायु क्षेत्र है उनमें शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सारी स्कीम देखनी है। तो पहली वाली स्कीम ये होगी कि आपको पूछा जाए कौन सी स्कीम है, तो 20 स्वावलंबन। दूसरा देखो, गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन, ये स्टार्टिंग वाली स्कीम है, बहुत ही वन लाइनर स्कीम है, ओवरव्यू टाइप है कि जो भी आ रही है उसके अंदर में कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो आपके काम की आएगी। या तो हमें लगता है कि सेपरेट कोई पूछेगा नहीं, इसको कोई सेपरेट नहीं पूछेगा, लेकिन 10 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है कृषि क्षेत्र में, तो इस लाइन को आप लिख सकते हो, है ना। तो गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का अनुमान, आपने देखा होगा कि कुछ से एरिया है जहां पे कई बार टिड्डी का भी आक्रमण हो जाता है, आपने न्यूज सुनी होगी, हनुमानगढ़ की साइड में भी होता है, जैसलमेर साइड में भी होता है, पूरी फसलें बर्बाद कर देते हैं। तो उनमें जो कीट और रोग है उनका उन्मूलन करने के लिए भी योजना ये कि इस तरीके से हम रसायन है उनका उपयोग करके जो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए लेकिन कीटों को जो खत्म कर दें इसके लिए यूज करते हैं। तो पादप संरक्षण रसायन होते हैं, उनका उपयोग द्वारा स्थानिक और गैर स्थानिक क्षेत्रों में टिड्डी रन कीट बीमारियों के उन्मूलन के लिए। तो आपको नाम से समझ आ जाएगा कि किसके उन्मूलन के लिए है, कि हम कुछ रसायनों का उपयोग करके जो गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन करना। आप सीधा देखोगे आपको याद नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से याद रखना है कि किन किन चीजों को हम कृषि की योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, ये तीसरा पॉइंट वहां पे दिया हुआ है कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। ये भी अब किस हिसाब से कृषि के अंदर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, देखो महिलाओं का प्रशिक्षण कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की योजना है, लेकिन ये महिलाओं को प्रशिक्षण इसलिए दे रहा है कि 30 महिला किसानों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहां पे करता है, ग्राम पंचायत स्तर पे करता है, कितनी महिलाएं 30 महिला किसानों के लिए, और प्रति प्रशिक्षण वो 3,000 रुपए प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि जो फार्मर का जो हमने कल देखा था कि लैंड जो होल्डिंग है फार्म जो महिला है कितनी है जो लैंड होल्डिंग करती है, फीमेल लैंड होल्डिंग कितनी है, उसी हिसाब से उसी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, या फिर खेती कर रही है तो उनको अच्छे तरीके से खेती कर सके इसके लिए हर ग्राम पंचायत में कितनी महिलाएं होंगी, 30 महिलाएं होगी जिनको प्रति प्रशिक्षण 3,000 रुपए उनको दिया जाता है, और उसके साथ में उनको कृषि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाएं ला सके। अब इसमें आपको अगर ये पूछ ले, एक आगे स्कीम और है जो गर्ल्स से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं के लिए या महिलाओं में जो कृषि में भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है, आपसे नाम पूछ लिया 2 नंबर के अंदर में, तो एक तो ये बढ़ा सकते हो कि आपका ये हो गया महिलाओं के लिए प्रशिक्षण है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है। ठीक है, और दूसरी जो बता सकते हो ये वाली है आगे वाली कि इसमें कृषि शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहन। तो इस तरीके से अपने दिमाग में फॉर्मेट रखा करो, साथ साथ में जैसे पढ़ रहे हैं, तो कृषि शिक्षा लड़कियों को प्रोत्साहन हो गया, महिलाओं को प्रशिक्षण हो गया, ये 2 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। जब अगर ऐसे पूछा जाए कि महिलाओं को मान लो प्रोत्साहित करने या महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहिए, तो हो सकता है आगे पढ़ेंगे उसमें और पॉइंट आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी 2 पॉइंट आए थे जिसके आधार जो थे महिलाओं का बढ़ाने के लिए। एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर 30 महिलाओं को आप प्रशिक्षण दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं या तो अगर खेती भी करेगी तो भी, या फीमेल लोडिंग अगर कल को बढ़ती है उनके हाथ में आती है जमीन, तो उसके हिसाब से भी उनके पास कृषि करने के लिए उतनी जानकारी होगी, प्रशिक्षण होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कृषि शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करना। अब कृषि शिक्षा में क्यों कर रहे हैं प्रोत्साहित, क्या आप कितनी लड़कियां आपने देखी है जो जाके एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट लेती है, कोई नहीं लेता, या तो सिंपल आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी सिंपल लेके अपना काम कर लेते हैं, सिर्फ बीए करना होता है, या फिर वो साइंस में जाते हैं जिसको करनी होती है, आईटी वालों में टेक्नोलॉजी वाले में चले जाएंगे, लेकिन कौन कितनी है जो यहाँ पे कृषि शिक्षा के अंदर में जा रही है। लेकिन अगर आपको कल को पॉलिसी बनानी है या कल को कृषि एक वैज्ञानिक तरीके से भी करनी है तो कृषि शिक्षा की होना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए भी, इसलिए कृषि शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, इसमें क्या लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कहां कहां करेंगे इसमें, सीनियर सेकेंडरी पे भी, स्नातक पे भी, स्नातकोत्तर पे भी, और पीएचडी तक में ये प्रोत्साहन देते हैं। और क्या करते हैं प्रोत्साहन का मीनिंग कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 17,000 रुपए इस तरीके से आपको एक अनुदान दिया जाता है, मतलब एक तरीके से हेल्प के हिसाब से वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए वो राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, समझ में आ गई कि किस तरीके से लिखना है, कृषि शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करना, और पहले वाला क्या था, महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पे 30 महिलाओं को प्रशिक्षण देना। ये आपका बता सकते हो कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन है, तो ये 2 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका कृषि प्रदर्शन। कृषि प्रदर्शन क्या होता है कि जब आप
किसानों को देखकर ही विश्वास होता है। आप ऐसे कुछ भी बोल दो, उनको डाटा दे आओ, उनको बीज दे आओ, लेकिन वो नहीं है। वो साइड वाले फसलों में जो उगाएंगे साइड वाला उगाता है, या फिर एक गांव में जो गेहूं की जो वैरायटी उगाई जाती है वो उगाते हैं सारे के सारे, कि यहाँ पे उनके 10 बीघा 10 हुई थी, 10 क्विंटल हुई थी, 40 क्विंटल हुई थी, उसी हिसाब से उगाते हैं। तो देख के विश्वास करने के सिद्धांत के आधार पर इनके लिए क्या करते हैं, जो खेत है वहीं पर इनके लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज हम कृषि के अंदर में कर सकते हैं उनका वहाँ पर जाके एक तरीके से कैंप लगा के डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि इस आधार पे आप देखो कृषि के अंदर में इन इन वैज्ञानिक उपकरणों का यूज कर सकते हो, इन इन पेड़ जो है नई नई जो हमारे पास बीज वगैरह जो भी आई है उनका यूज कर सकते हो। तो इसके आधार पे देखो हमने वहां पे किया था, वीडियोग्राफी दिखा सकते हो वहां पे कि वहां पे हमने लगाया था, वहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया था तो वहां पे इतना प्रोडक्शन हुआ था। तो इस तरीके से कृषि प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये अगर आपसे स्कीम पूछी जाए तो ये भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कृषि प्रदर्शन का क्या लिखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप बता सकते हो कि किसानों को अगर मोटिवेट करना है, उनकी स्किल बढ़ानी है तो क्या कर सकते हो, देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर कृषि प्रौद्योगिकी के संचार के लिए किसानों के खेतों में फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया ये चीजें। अब चलो चलते हैं आगे। यहां पे बीज मिनी किट एक है, एक है सूक्ष्म पोषक मिनी किट। मिनी किट तैयार की जाती है, बीज मिनी किट का मीनिंग क्या हो गया कि बीज की एक मिनी किट तैयार की जाएगी, वो गुणवत्तापूर्ण बीज है वो आपको प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि देखो किसानों के बीज विभिन्न फसलों की नई जो जारी किस्म होती है, अब नई जारी किस्म है वो सेम ही सेम अगर फसल बोलते जा रहे हो तो आपका हो सकता है प्रोडक्शन नहीं बढ़े, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से किसी ने किया है, गवर्नमेंट ने शोध किया है, तो उसके आधार पर आपको लगता है कि कोई जारी नई किस्म जारी हुई है वो लोगों तक पहुंचानी है, किसानों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए बीज मिनी किट तैयार की गई है आपकी बीजों की। तो उसको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो ये कि पहली बात महिला किसान कम है और महिला किसानों को ये बीज मिनी किट मुफ्त में दी जाती है, ले सकते हैं पुरुष किसान भी, लेकिन उसको मिनी किट को लेने के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। प्रोत्साहन देने के लिए महिला किसानों को बीज मिनी किट मुफ्त में दी जाती है। तीसरा पॉइंट मिल गया आपको, अगर अलग से महिलाओं को बोला जाता है तो आप बोल दोगे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें कृषि के अंदर में, वो अगर उस क्षेत्र में अध्ययन कर सके उसके लिए। तीसरा बोल सकते हो कि महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो बीज मिनी किट है वो मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही है। तो ये चीज आप आराम से उसमें लिख सकते हो मेंस के हिसाब से। और सूक्ष्म पोषक मिनी किट फ्री में भी आ सकता है कि महिला किसानों को बीज मिनी किट मुफ्त में दी जा रही है प्रोत्साहित करने के लिए, तो भी आप याद रखना महिलाओं को तो फ्री में मिलती है और पुरुष इसको मिनी किट को खरीद सकते हैं। सूक्ष्म पोषक मिनी किट ये क्या होती है, सूक्ष्म पोषक क्या होंगे कि किसी भी पादप को, किसी भी गेहूं हो गया, कपास हो गया, उनको उगने के लिए क्या होता है कि सोयल के अंदर में भी एक न्यूट्रिशन होना चाहिए तभी उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो उस न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए एक पादप को कितना कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, सूक्ष्म पोषक चाहिए, उसके लिए उसके हिसाब से एक सूक्ष्म पोषक मिनी किट तैयार की जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो भी प्रोवाइड करते हैं फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीओपी सिफारिशों के आधार पे किसानों को 90% सब्सिडी पर सूक्ष्म पोषक मिनी किट प्रदान की जा रही है। याद कर लो कितने परसेंट के हिसाब से, इसमें 90% सब्सिडी है आपके पास में। आप भी कहीं पे गांव में बोलो कि यहाँ बोल सकते हो कि भाई सूक्ष्म पोषक मिनी किट ले आओ ताकि पादप के पास में सूक्ष्म पोषक ज्यादा होंगे, न्यूट्रिएंट बढ़ेगा सोइल के अंदर में, तो उनसे उनका क्या होगा, ज्यादातर लास्ट में जाके करना क्या है, फसल का उत्पादन ही तो बढ़ाना है हमें कि उसी लेवल पे 2 बीघा में 5 बीघा में फसल का उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए सूक्ष्म पोषक जो मिनी किट है वो तैयार की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, 90% सब्सिडी के साथ में इसको आपको अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, ओके। अब देखो एक लाइन है ये भी लिख दिया करो कहीं भी, ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र जिसको बोलते हैं, अडेप्टिव ट्रायल सेंटर बोलते हैं, यहां पे क्या करोगे आप कि अलग अलग जो भी बीज की वैरायटी है जो आप अभी प्रोवाइड करवा रहे हो सूक्ष्म पोषक मिनी किट करवा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि उसी पोषक के इतने जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से इस कपास के लिए उपयुक्त होगा, इस गेहूं के लिए उपयुक्त है, तो वो ट्रायल सेंटर तो होनी चाहिए आपके पास, कहीं ना कहीं तो ट्रायल करती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं और जैविक खेती के लिए सहायता के लिए भी केंद्र स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, अगर आपके पास है तो बड़ी आगे आएगी, बड़ी आपकी स्कीम भी आएगी वो तो लिखनी ही लिखनी है आपको, लेकिन जब बड़ी स्कीम लिख देते हो उसके बाद में आप कॉमा लगा के भी अगर आपको पता चलता है 10 है तो आप बोल सकते हो कि प्रशिक्षण केंद्र आयोजित करना, जैविक खेती के लिए सहायता, सूक्ष्म बीज किट, जो सूक्ष्म पोषक जो मिनी बीज किट बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट अवेलेबल इसमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि दूसरे लोग लिखेंगे और आपको भी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको 10 में से 8 नंबर तक आप पहुंच पाओगे, है ना। हर चीज को इंप्रूव करना अपने को, तो आप बोल सकते हो और ये बहुत आसान है, समझने की बात है, एक दो बार देखोगे वैसे याद हो जाएंगे कि प्रशिक्षण केंद्र एक तो स्थापित करने हैं जहां पे आप इन चीजों का ट्रायल कर सके और जैविक खेती की सहायता के लिए भी, असिस्टेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी सेंटर स्थापित किए गए। एक तो ये लाइन हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास में, आगे वाला जो स्कीम है वो क्या, जैविक खेती के लिए सहायता। अब जैविक खेती के लिए क्या सहायता देती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलती है कि ऑर्गेनिक फार्म है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ाने के लिए हर साल
तीन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अडॉप्ट करी है उन किसानों को चयन करती है और हर एक को एक एक लाख रुपए का जो है भुगतान किया जाता है ताकि उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसी को एक लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये देख लो हर एक को। तो ये शुरू किया गया था 15-16 के अंदर में जैविक खेती को, क्योंकि उसी टाइम जैविक खेती को सबका पूरा ऑल ओवर इंडिया लगाना शुरू किया था उन्होंने। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है 15-16 से लेकर 21-22 तक है, देखो 7 साल हो गए उसमें 21 किसानों को अब तक में पुरस्कृत किया जाता है। और पुरस्कार क्या देते हैं ये पूछा जा सकता है, तो क्या दोगे 3 किसानों को चयन करते हैं हर साल। सिंपल सा है कि जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करी है उसमें से जो सबसे बेस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से अपने हिसाब से गवर्नमेंट 3 किसानों का चयन करती है और उसको हर एक किसान को एक एक लाख रुपए की राशि प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जैविक खेती के हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन पूछे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, मान लो ये सवाल आ गया आपके पास में 5 नंबर का, तो और कुछ नहीं याद आ रहा तो आप बता सकते हो कि जैसे जैविक खेती की सहायता के लिए प्रशिक्षण केंद्र आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, ट्रायल सेंटर होते हैं जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उपयुक्त क्या है वो चीजें चयन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन लिख दो, और कुछ नहीं याद आ रहा तो तीसरा एक स्कीम याद आ रही है तो कम से कम ये जरूर लिखो कि गवर्नमेंट जैविक खेती की सहायता के लिए 15-16 से एक पुरस्कार जो है उसकी राशि जो किसानों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम चला रही है जो अब तक 21 किसानों को पुरस्कृत किया जा सकता है और एक हर एक साल के अंदर में 3 किसानों का चयन किया जाता है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं, हर एक को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये जैविक खेती का अगर आपसे बोल दिया जाए कि कैसे क्या करती है गवर्नमेंट जैविक खेती के लिए तो ये किया जाता है। ठीक है, उससे अगला लेते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में होती है पशुओं की इनकी बहुत प्रॉब्लम रहती है गांव के अंदर में, तो हर एक चीज को गवर्नमेंट नोटिस करती है, हर एक चीज के लिए कोशिश की जाती है कि उसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं दी जाए। हो सकता है गांव तक नहीं पहुंचे वो योजनाएं, कोई उसका लाभ लेने के लिए उसके पास नॉलेज ही ना हो, तो ये काम होता है कि आप बन जाओगे उसके बाद में ये काम इंप्लीमेंट करना आपका काम रहता है कि गांव में बताओ कि ये चीजें हाँ अवेलेबल है, गवर्नमेंट ये करती है, आप ये कर सकते हो, है ना, उनको पहुंचाना। ये जब आप बन जाओगे यही काम होता है आपका। तो बाढ़ के माध्यम से फसलों की सुरक्षा के लिए सहायता, तो बाढ़ लगाने पड़ती है गांव में जो आवारा पशु है वो आके फसलें खराब कर जाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक आधार पे, क्योंकि किसी को इंडिविजुअल भी ले सकता है और एक पूरी कम्युनिटी भी अपने लिए ले सकती है। कम्युनिटी कहां से लेगी, अगर कोई चीज है जो कम्युनिटी वाली है जहां पे आपने कुछ फसलें उगा सकी है या चारागाह हो गया उसको बचाना है आपको, तो वो कम्युनिटी के हिसाब से ले लोगे, इंडिविजुअल बंदा अपनी फसल के हिसाब से ले आएगा, उसको ले आओगे 60-40 के आधार पे कांटेदार तार की बाड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि 400 रनिंग मीटर तक का फाइनल देते हैं, सबसे किसको देते हैं कितना देंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे कितनी बड़ा खेत है उसकी बाड़ बंदी कर देगी गवर्नमेंट, वो नहीं है। 400 रनिंग मीटर जो है मीजर करते हो तार की जो है उसके अगर हिसाब से जब सर्कमफेरेंस मीजर करते हैं तो 400 होनी चाहिए, 400 मीटर से लंबा तार वो बाड़ा बंदी के लिए नहीं देंगे। 400 रनिंग मीटर तक की आपको सब्सिडी देंगे, क्या कैसे देंगे, कुल लागत होगी उसका या तो 50% ले लो, है ना, और या फिर अगर कुल लागत बहुत ज्यादा पड़ रही है 1000 मीटर का दे रहे हो तो आप हमें हम 40,000 रुपए आपको दे देंगे। ये किसके लिए है, छोटे के लिए। और सीमांत किसान होगा ना, जो सीमांत किसान कौन सा होता है, 1 हेक्टेयर से नीचे वाला। सीमांत के बाद कौन आता है, कल किया था हमने लघु आता है, वो कितना रहेगा 1 से 2 तक का, 2 हेक्टेयर तक का। उसके बाद कौन आता है अर्ध मध्यम, 2 से 4 तक का, 4 तक का है, 2 से 4 हेक्टेयर तक का। उसके बाद कौन आता है मध्यम, वो बताए थे 4 से 10 तक हेक्टेयर तक का। और 10 हेक्टेयर से ऊपर वालों को क्या बोलते हो आप, जो कितना परसेंट है 4.69%, कितना परसेंट है 4.69% हमने कल किया था, ये कितना है जो 10 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि जिनके पास में है वो किसान है। ठीक है, तो अब देखो सबसे ज्यादा इसमें सहायता की जरूरत किनको पड़ेगी, जो सबसे नीचे वालों को है, किसको पड़ेगी, या तो सीमांत किसान को पड़ेगी या लघु को पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि है वो बड़ा बंदी तो कर ही लेगा ना, उसको गवर्नमेंट नहीं सहायता देगी कभी भी, गवर्नमेंट देती है नीचे वाले तबके की सहायता के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पीडीएस सिस्टम हो गया, कोई भी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अनाज की होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप देखोगे कि यहां पे 2 दिए गए हैं, छोटे किसान और सीमांत किसान, उनके लिए दिया गया। तो सीमांत को ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी, छोटे वालों को थोड़ी कम सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि जितनी बाड़ाबंदी कर लो उसका जितना भी आपकी लागत आएगी उसका 50% हम दे देंगे, या फिर हम 40,000 जो भी कम हो, तो यानी कि हाईएस्ट कितना देगी गवर्नमेंट 40,000 रुपए देगी, उससे ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो आप लगाओगे, या 40,000 से कम अगर लगा रहे हो, अगर 40,000 टोटल खर्चा आया है तो 50% देंगे उसका हम, 20,000 रुपए हम दे देंगे। ठीक है, और अगर सीमांत किसान के लिए ये राशि है वो 60% की दे देंगे, 50 से बढ़ा के उनके लिए 60 कर दिया क्योंकि उनको ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी, और या फिर 48,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बस बेसिकली, अगर ये भी नहीं याद रखे तो बेसिक इतना जरूर याद कर लेना कि 400 रनिंग मीटिंग तक यहाँ पे आपको डीबीटी किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है किसान के खाते के अंदर में, तो कहीं भी किसी को बड़ा बंदी की जरूरत हो इसके थ्रू वो सहायता ले सकता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज।
अब चलते हैं भूमिहीन मजदूर है उनको कैसे सहायता दोगे। भूमिहीन मजदूर कौन से होते हैं, जिनको खेती में काम तो कर रहे हैं लेकिन जिनके पास खुद की भूमि है नहीं, है ना, तो उनको भी सहायता देने के लिए सरकार काम करती है। देखो पहला वाला, देखो ये योजना भी करेंगे अपन आगे जाके, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, ठीक है, संबल मिशन। ये क्या है कि राजस्थान में जो कृषि के श्रमिक है उनको सहायता करने के लिए, संबल देने के लिए, सहायता का दूसरा नाम क्या होता है, संबल देने के लिए उनको लिए योजना आई थी। उसके अंतर्गत कार्यक्रम के तहत 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में कृषि कार्य में लगे 200,000 है भूमिहीन श्रमिक। अपने कितने हैं, 200,000 लगभग एस्टिमेट है उनके पास में कि भूमिहीन मजदूर है जो काम करते हैं, उनको हाथ से चलाए जाने वाले कृषि यंत्र दिए जाने का प्रस्ताव है। हाथ से चलाने वाले कृषि यंत्र दिए जाएंगे ताकि वो जब कृषि कार्य में काम कर रहे हैं वहां पे उनके लिए सहायता हो सके, ठीक है। उपकरणों की खरीद के लिए प्रति परिवार आपको 5,000 रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है कि एक परिवार होगा जिसमें से कितने, 3 श्रमिकों, 4 श्रमिकों, चारों काम करें चाहे एक काम करें, प्रति परिवार आपको कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए दिए जाएंगे, हाथ से चलाने वाले जो संयंत्र है उनको खरीद के लिए दिए जाएंगे ताकि कृषि में जो काम आप हाथ से कर रहे हो उसको कम से कम हाथ से चलाने वाले संयंत्र ले आओगे तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो कृषि संयंत्र में यह भी रहेगा आपका, भूमिहीन मजदूरों को सहायता देना भी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां से शुरू होता है अपना बड़ी वाली जो बोलते हैं ना स्कीम, जो मेजर स्कीम्स आई है, जो अब से पहले आई है या अभी लेटेस्ट आई है, वो सारी अब से शुरू होती है। अब से पहले एक बार बेसिक था, श्रमिकों का देख लिया, बाड़ाबंदी कर दी आपने, सीड किट दे दिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो छोटी छोटी वो तो याद रखनी रखनी है, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। अब मेजर आता है कि डायरेक्ट अगर कोई मेजर स्कीम्स पूछ ली जाए जो उनमें क्या करोगे। मेजर स्कीम में क्या आती है, सबसे पहले आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बहुत दिन पहले आया था, ये आपने देखा होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए मिशन आया था ये। उसके हिसाब से अभी भी इसके अंदर में बजट का आवंटन किया जाता है, कितने स्टेज में चलता है, किस किस के फसलों के लिए किया जाता है, कैसे आप फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे वो हमें देखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब आगे वाली जाएगी बड़ी वाली, ये 5 नंबर डायरेक्ट पूछा जाएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन इतना लिखा होगा आपके पास, अब आपको लिखना है उसके बारे में क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, किस फसलों के लिए दिया गया। तो केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2007-08 में देखो ये शुरू हो गया था, ठीक है, और राजस्थान में गेहूं और दालों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। पहले सबसे पहले क्या किया गया था, गेहूं और दाल के लिए 2007-08 में इसको शुरू किया गया था। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ ने GOI लिखा, मैंने ऐसे आप भी लिख सकते हो, लेकिन GOR गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान इनकी फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, 60% क्या देगी केंद्र सरकार हर एक स्कीम में, आप देखना अलग से याद नहीं करना, मैंने सब में लिखा है, लेकिन याद रखो 60-40 ही है जो भी सरकार केंद्र सरकार की, ज्यादातर बड़ी योजना किसकी रहती है, केंद्र सरकार की रहती है, खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी, लेकिन इंप्लीमेंट तो राजस्थान में भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो खर्चा आता है आपका, फंडिंग जो आती है उसके अनुपात क्या रहेगा, 60 केंद्र सरकार देता है हमेशा, 40% हमेशा राज्य सरकार देती है। अभी कृषि के अंदर में सबके स्कीम के लिए यही रहेगा आपका, ठीक है, ये शुरू की गई थी योजना। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर में और क्या हो रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM बोलूंगा के बाद में, NFSM अगर गेहूं के लिए और दाल के लिए अंतर्गत प्रमाणित बीजों के, अब इसमें करते क्या हो आप, अब ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे दाल के लिए मैं बोल दूं चाहे गेहूं के लिए बोल दूं, आपको अगर लिखना पड़ रहा है तो पहले वो बताओगे कि 2007-08 में शुरू किया गया था, केंद्र और राज्य का जो है उनमें फंडिंग पैटर्न 60-40 का रहता है, और राजस्थान के अंदर में भी इसको लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या करते हो, प्रमाणित पहले क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों का वितरण करोगे ताकि बीज ही आपके पास में बहुत बढ़िया बढ़े, जिससे आपको खाद्य सुरक्षा देनी है, तो खाद्य सुरक्षा तब दोगे ना जब आपके पास में प्रोडक्शन होगा, जब आपके पास गेहूं होगी अतिरिक्त मात्रा में, तभी तो आप गरीबों में बांट पाओगे, सुरक्षा दे पाओगे। तो पहले प्रमाणित बीजों का वितरण करना है, फिर उन्नत उत्पादन की तकनीक पर प्रदर्शन करना है कि आपको बताओगे कि ये इन प्रमाणित बीजों से उन्नत उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन कैसे किया जा सकता है, कौन सी तकनीक है, जो हमने कृषि प्रदर्शन किए थे ना वहां पे लिखा है वो वाला काम करोगे। उसके बाद किसानों को जैव उर्वरक दोगे, ये देखो रसायन से हटा के आप उनको क्या दोगे, जैव उर्वरक, ताकि जैव उर्वरक से आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ाओ, और जो क्योंकि खाद्यान्न है उसमें कम से कम रसायन होने चाहिए, इसलिए तीसरा काम करेंगे किसानों को जैव उर्वरक देना। फिर आप सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बात करी थी, देखो वो मिनी स्कीम्स है, वो यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम, सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको बढ़ावा दोगे ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, जिप्सम हो गया, एकीकृत कीट प्रबंध हो गया आपका, वो हमने किया था सबसे पहले, एक कीट प्रबंध को कीटों को मारना है, ठीक है। कृषि उपकरण दोगे आप, स्प्रिंकलर हो गया या पंप सेट हो गया, जैसे अभी हम नया देखो तो सोलर जो पंप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा इसमें अंदर में बहुत सारी स्कीम आती है कि आपको सोलर पंप ले लो, सोलर इसके अंदर में इतनी सब्सिडी मिल रही है, तो ये स्प्रिंकल्स देना, पंप सेट देना, पाइप प्रदान करना जिसके समर्थन से क्या होता है, दूर होता है, कई बार हमारे साइड में भी है कि जो गगर नदी उसे अगर पानी लेना है आपको तो पाइप डालनी पड़ेगी 6-7 किलोमीटर के अंदर में, तो वहां पे भी अगर किसी को अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है, सपोर्ट चाहिए, तो वहां भी पाइप प्रदान करते हैं सरकार, वहां तक काम करती है, ठीक है। सिंचाई जल वहन के लिए लाइन और फसल
जो प्रणाली है उसके आधारित कौन सी फसलें आप उत्पादित कर रहे हो, कौन से सेक्शन में, जैसे कहीं पे ज्वार हो रहा है, कहीं पे बाजरा हो रहा है, कहीं पे गेहूं है, कपास है, तो कौन सी फसल है उसके आधार पे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जब आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर आपका कॉम्प्रेहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। आपको सब बताना है उसके अंदर में, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया ये होता है और इसमें ये हम काम कर रहे हैं, इससे आपसे काम नहीं चलेगा। ये देखो कितना सही चीज लगती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, पहले बताओगे शुरू कब किया, उसके अंदर में केंद्र सरकार राज्य सरकार का फंडिंग पैटर्न क्या है राज्य खाद्य सुरक्षा का, उसके बाद बताओगे उसके अंदर में कर क्या रहे हैं खाद्य सुरक्षा के अंदर में, ठीक है। गरीबों को लास्ट में जाके खाद्य सुरक्षा का मीनिंग है, हर किसी को कोई भूखा नहीं सोए, मतलब सबके पास खाने के लिए पैसा होना, वो होना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा कि आप गेहूं जाके खरीद सको, खाने के लिए कुछ भी चावल खरीद सको, लेकिन उसके लिए करोगे क्या, आपको सबसे पहला काम है कि आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उनका उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले शुरू करोगे कि प्रमाणित बीजों का वितरण से शुरू करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाओ करना क्या है, फिर उन्नत तकनीक के आधार पर प्रदर्शन करोगे कि इनसे उत्पादन कैसे बढ़ाओगे, उसके बाद किसानों को फिर जैव उर्वरक दोगे, कौन से उर्वरक की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उनको जैव उर्वरक दे दिया, उसके बाद आप सूक्ष्म पोषक तत्व उनको दे दिया, ये दो पॉइंट आपके बीच में प्रोडक्शन बढ़ाने के हो गए। फिर जिप्सम हो गया, कीट प्रबंध, कीट से नुकसान हो रहा है तो आपको एकीकृत कीट प्रबंध के हिसाब से उनको सपोर्ट किया जाता है। कृषि के उपकरण हो गया, स्प्रिंकल हो गया, पंप सेट हो गया, पानी लगाने के लिए अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है सिंचाई की सुविधाएं तो पाइप वगैरह से पानी लगाते हो तो उसके लिए लाइन बिछाने के लिए पाइप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सी फसल है उसके आधार पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह सारा काम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किया गया था, उसके अंतर्गत कृषि के ऊपर किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कि गेहूं के लिए, अब देखना यह है कि जब राज्य के अंदर में इसको लागू किया गया तो ये अलग अलग के हिसाब से खजब खाद्यान्न के लिए लागू किया जाएगा, गेहूं के लिए भी किया गया है आपका, ठीक है। तो गेहूं के हिसाब से जब आप कहते हो तो राज्य के 14 जिलों में से लागू किया जा रहा है। तो प्री के हिसाब से आपको सिंपल जिले याद मत करना, कोई नहीं पूछेगा, मैं लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि गेहूं के लिए जो राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन है उसको लागू किया गया तो कितने जिलों में किया गया था, 14 जिलों में, सारी जगह नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि दलहन के लिए जब इसको लागू किया गया था 10-11 से शुरू किया था दलहन वाला, तो ये सारा 33 जिलों में इसको शामिल किया गया। दलहन वालों में क्या किया गया, सारे 33 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया, लेकिन गेहूं के अंदर में किसको किया गया, 14 ही जिले, ठीक है, इतना ही देखना हमें। इसके अंदर में और भी आएगा अभी देखो। अब ये चीज मोटा अनाज के लिए भी शुरू किया उन्होंने, कौन है मोटा अनाज के अंदर में, मोटा अनाज में आता है मक्का आपका जो, दो के लिए शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा मिशन में बढ़ाना है इसमें उत्पादन इनका। तो अब मक्का का उत्पादन भी बढ़ा रहे हो, जो का भी बढ़ा रहे हो, तो याद रखना मक्का कहां पे शुरू किया गया, 5 जिलों में। मक्का कहां पे, 5 जिलों में, याद कर लो। जो आपको बोला गया इसमें याद करने वाली बात इतनी है कि 7 जिलों में शुरू किया गया। गेहूं के लिए कितने में, 14 जिलों में, दलहन के लिए 33 जिलों में, मक्का उत्पादन के लिए मोटा अनाज में जब मक्का की बात करते हो वो 5 जिलों में, और जो का उत्पादन है वो कितने में रहेगा, 7 जिलों में रहेगा, ठीक है। ये सब अब तक सही है सब। उसके बाद में न्यूट्री सीरियल हो गया, जो हम बोलते हैं सीरियल खाते हैं ना सीरियल्स, तो उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है, उनके लिए क्या करते हो, केंद्र प्रस्तावित योजना के लिए 18-19 में राजस्थान में ये लॉन्च किया गया, ये लेट आया था, 4 पहले चल रहे थे, उसके बाद में मल्टी सीरियल के लिए भी आ गया कि इनको भी बढ़ाओ, ये भी करते हैं लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसमें लॉन्च किया गया था। इसमें अंदर में दो चीज ली गई थी, ज्वार और बाजरा, बचा कौन, ज्वार और बाजरा बचा था, गेहूं मक्का कर चुके हैं हम, जो कर चुके हैं, अब किसका बढ़ाना है, ज्वार और बाजरा का। ज्वार का कितने, 10 जिलों में, और बाजरा के लिए 21 जिले चूज किए गए। तो अगर क्वेश्चन बाई चांस बनेगा तो सिर्फ इनमें से बनेगा, वो किसी के अंदर में बनेगा, आपको पता होना चाहिए। कितने हो गए अब टोटल, 5 हो गए, सबसे पहले गेहूं में शुरू किया था हमने, उसके बाद दलहन में शुरू किया था, उसके बाद मोटा अनाज किस में, जो और मक्का, और उसके बाद में अपने मल्टी सीरियल पे आए थे ज्वार और बाजरा पे। ज्वार रहेगा आपका 10 जिलों के, तो नोट्स बनाओ, सिंपल ये लिख लेना कि किन किन के लिए, बाद में गेहूं ज्वार ऐसे लाइन वाइज लिखना और उनके नीचे लगा देना कि कौन कितने जिलों के अंदर में चल रहा है आपका। तो गेहूं ज्वार के लिए 10 जिले हो गए, बाजरा के लिए आपके पास 21 जिले हो गए। अब उसके अलावा ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये वाणिज्यिक फसलों के लिए भी आता है, ऐसा नहीं है कि बाद में इसका उत्पादन बढ़ाने की बात की गई तो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी के हिसाब से सिर्फ गेहूं के दलहन तक नहीं रखा, अब ये वाणिज्यिक फसलों तक भी आ गया है। कमर्शियल, कमर्शियल कौन सी होती है क्रॉप्स, पता है ना आपको आइडिया है, जैसे कपास हो गई कमर्शियल क्रॉप्स, आप खा तो सकते नहीं, उसका काम क्या है, पैसा कमाना है उससे, ठीक है। तो वाणिज्यिक फसलें हो गई, कपास की फसल के लिए अग्रिम प्रदर्शन करना, जैसे वही बात है कि कृषि में जाके प्रदर्शन करना कि ये बीज हमारा इस तरीके से कपास का उत्पादन बढ़ा सकते हो, कोई प्रदर्शन करना। और पौधे संरक्षण रसायन है, जैसे कौन कौन से हैं जो पौधे को संरक्षित करेंगे, जैव रासायनिक है जो उसको कौन कौन से को यूज कर सकते हो, वो सारा काम वो सेम वाणिज्यिक फसलों के लिए किया जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुआ, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, किस किस के अंदर में हम काम कर रहे हैं, केंद्र और राज्य का भागीदारी इसमें अंदर में फंडिंग है वो इसमें क्या रहेगी, इतने इतने के हिसाब से कर रहे हैं, इसके में ज्वार के लिए इतने दिन के लिए इतने राजस्थान में जिलों में चलाया गया है, बाजरा के लिए इतने में चलाया गया है, गेहूं के लिए इतने में चलाया गया है, उसके बाद बताओगे कि वाणिज्य की जो फसलें हैं उनके लिए भी ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आता है आपका बचा क्या है,
ये देखो इसके अंदर में अलग से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ तिलहन विशेष कार्यक्रम और वक्ष जनित तिलहन दो चीज दी गई है। तिलहन का या तो तिलहन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाओगे आप, और एक होता है वृक्ष जनित तिलहन। यहाँ पे वृक्ष जनित तिलहन के अंदर में भी चूज किए गए हैं कि कौन सी तिलहन है जिनके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके अंदर में कौन सी तिलहन है जो अभी राजस्थान के अंदर में जिनका उत्पादन बढ़ाने के लिए वो राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया, तो वो लाइन पता होनी चाहिए। या अब तक कितने हैं जो वृक्ष जनित तिलहन है जिनके ऊपर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किए गए, तो जो इनका भी वो फंडिंग पैटर्न 60-40 रहेगा कोई भी स्कीम आ जाए। उसके अलावा विशेष कार्यक्रम के लिए फंडिंग पूरी तरह से, अगर कोई विशेष कार्यक्रम जारी होता है तिलहन के लिए तो पूरी फंडिंग है जो क्या कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है कि सारी की सारी चीजें। अब बोलोगे ट्री बोर्न तिलहन होता है ये, जो अगर फसल वृक्ष जनित तिलहन है उसके अंदर में जो हमें पता नहीं कि कौन कौन से होते हैं, तो चलो हम नाम देख लेते हैं कि कौन से 6 ऐसे हैं वृक्ष जनित तिलहन जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर में शामिल किया गया। ठीक है, कौन से? जैतून के अंदर में, जैसे जैतून हो गया, किसी ने नाम सुना है तो देख लो, नहीं याद करो, नीम तो देखा होगा सबने, नीम हो गया। ठीक है, महुआ हो गया, जोजोबा हो गया, करंज हो गया, जेट्रोफा हो गया। ठीक है, ये 6 है जिनको इनकी रोपण हो गया, सहायता हो गया, या इनको लगाने के लिए अगर कहीं पे कम है इनके लिए इसमें सहायता प्रदान की जाती है इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए। 22-23 के दौरान केवल अपने कहां पे है, जैतून और जोजोबा दो ही है जिनके लिए लागू किया जा रहा है। तो अब आपसे पूछ ले 22-23 के अंदर में कौन सी 2 ऐसे वृक्ष जनित तिलहन है जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर में जिनको सहायता प्रदान की जाती है या शामिल किया गया है, तो कौन कौन से है आपके? जैतून और जोजोबा। और टोटल कितने हैं? 6 है जिनका वो भी नाम पता होने चाहिए, ये नॉर्मल पौधों के नाम है। जैतून आपने देखा, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज, जेट्रोफा। ठीक है, और अभी किसके लिए कर रहे हैं 22-23 के अंदर में, किसके ऊपर में सहायता दे रहे हैं? जैतून और जोजोबा को सहायता दी जा रही है। जैतून जोजोबा के जो तिलहन है उनके पौधों को लगाने के लिए जो सहायता दी जा रही है। ठीक है, अब ये देखो, यह आया था राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन। मेनली इसका काम क्या है कि कृषि के अंदर में उचित तकनीक का उपयोग बढ़ाना ही इसका मेन काम है। क्या काम है? उचित तकनीक करना और कृषि की जो नॉर्मल पद्धति है उनका यूज कर रहे हो। जैसे कि आप कृषि की नॉर्मल पद्धति क्या है कि फ्लड आपने पानी लगा दिया, नॉर्मल का पानी लगाते हुए देखा होगा किसी, अगर किसी ने देखा है गाँव में अंदर में, तो सिंपल पानी छोड़ देते हैं पूरे के अंदर में, है ना। उसके बजाय वो बोलते हैं कि स्प्रिंकलर पे आ जाओ यार, क्यों सारा पानी क्यों खराब करें। उतने पानी से आप 2-1 बीघा के अंदर में आप दे सकते हो, जो एक क्यारी के अंदर में पानी डालते हैं उसके बजाय 1 बीघा में दे सकते हो, तो वहां पे आप पाइपलाइन डाल सकते हो, वहां पे स्प्रिंकलर वाले डाल सकते हो, ड्रिप इरिगेशन शुरू कर सकते हो, फवारा सिस्टम जैसे होगा स्प्रिंकलर वाला शुरू कर सकते हो। तो जो नई कृषि पद्धतियां हैं या फिर बीज बोने की पद्धतियां हैं वो भी ज्यादा इफिशियंट बनाई जा सकती है। ठीक है, ताकि आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाए। तो जितनी भी तकनीक, उचित तकनीक होगी, कृषि पद्धति होगी, उनको विस्तृत करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए लोगों तक, यहाँ पे इसलिए कृषि विस्तार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन लाया गया था। ठीक है, अगर बाय चांस ये पूछ लेता, कम पॉपुलर है, कई बार पूछने का चांस कम है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो नाम से पता लग रहा है, इसलिए नहीं पूछा जाता, क्योंकि कृषि का विस्तार करना, तकनीकी मिशन मींस तकनीक है उसका ज्यादातर किसानों तक पहुंचाना ही इसका काम है। इसमें क्या किया, कैसे पहुंचाते हैं? 4 उप मिशन बनाए उन्होंने कृषि विस्तार पर, बना लिया। दूसरा काम उन्होंने कर लिया बीज और रोपण सामग्री, यानी बीज को कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं किसानों तक, उसकी रोपण सामग्री क्या क्या है, कैसे इफिशियंट तरीके से बीज का रोपण किया जा सकता है। यानी अभी तक तो बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह अपने नई नई मशीनें आ गई है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे पौधे हो जिनके पास, जिनके लिए ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं हो, जिनका हाथ से करना पड़ रहा है, मैन्युअल लेबर से करना पड़ रहा है। तो बीज और रोपण सामग्री के लिए उपमिशन बना दिया। कृषि यंत्रीकरण पर बना दिया कि कौन कौन से यंत्र है जो कृषि में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पहले नहीं होते थे, लेकिन देखा होगा अभी आपने कि गेहूं है उसको काटने के लिए मशीनें आ गई है सारी की सारी, है ना, कंबाइनर हार्वेस्टर बोलते हैं जिनको, तो ये सारी की सारी कृषि यंत्रीकरण की वजह से है। अगर ये मिशन नहीं चलाओगे तो वो जो मशीनें हैं हो सकता है किसी एक सेक्शन के पास उपलब्ध होगी, जैसे पंजाब में कई बार उपलब्ध है, जैसे राजस्थान तक लानी है, तो वो काम किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। क्या कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रू आप ये कर सकते हो कि गेहूं का है वो कर सकते हो, कपास के लिए भी आ गई है, पहले चुनने के लिए वो लोग लेके आने पड़ते थे, ठीक है, अब नहीं है, अब कई जगह पे क्या हो रहा है कि मशीनें भी आ गई है जो इफिशियंट तरीके से उनके जैसा काम कर रही है, तो ये जो यंत्रीकरण है वो काम कर लेगा, ये कृषि यंत्रीकरण पे उपमिशन बना दिया। उसके अलावा कृषि में ई शासन की योजना, ये देखो गवर्नेंस के लिए, अगर देखोगे ई गवर्नेंस क्या होगा एग्रीकल्चर में, ई गवर्नेंस का मीनिंग हो गया कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके, हर एक किसान तक पहुंच सके, इसके लिए जैसे कोई ऐप हो गया उसके माध्यम से आप सूचना प्रसारित कर रहे हो, तो उस ई गवर्नेंस का यूज करना कृषि के अंदर में, तो ये भी एक उपमिशन हो गया। तो किस तरीके से आप तकनीक पहुंचा रहे हो, किस तरीके से आप कृषि के अंदर में जो एक्सटेंशन, कृषि का एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, कृषि का विस्तार कैसे कर पा रहे हो, तो 4 उपमिशन लिया है इसके अंदर में कि पहले क्या करोगे, कृषि विस्तार पे ही है, दूसरा बीज के हिसाब से रोपण सामग्री पर उपमिशन बना दिया, फिर कृषि यंत्रीकरण पे मिशन बना दिया उन्होंने, और कृषि में ई शासन की योजना के लिए मिशन बना दिया कि गवर्नमेंट इनके लिए किस तरीके की कौन कौन सी योजना है वो भी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसके लिए ई शासन की योजना बना दी। ठीक है,
अब आते हैं अगले वाले के ऊपर में। ये देखो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, ये आ सकता है आपके लिए सिंपल 5 नंबर के अंदर में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है। इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो ये देखो नेशनल मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा बात चल रही है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, कोई भी काम करो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके लिए SDG इंडेक्स भी है और आगे करेंगे अपने उसके अंदर में, लास्ट में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में। तो लेकिन यहाँ पे नेशनल मिशन एग्रीकल्चर के लिए क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। यहाँ पे भी वही सेम फंडिंग पैटर्न रहेगा 60-40, और ये भी 5 स्टेज के हिसाब से 5 घटक इनकी साइट पे दिया गया है ये कि राष्ट्रीय सतत कृषि के लिए जो ये नेशनल मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ये 5 कंपोनेंट के थ्रू चल रहा है फिलहाल। किस आधार पे? एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, पहला वाला क्यों है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है समझ में है किसी को थोड़ा बहुत आइडिया? सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग होता है कि जितना प्राकृतिक संसाधन है वो नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना उनका यूज करना अपने लिए, ठीक है, ताकि अर्थ को भी नुकसान न पहुंच पाए और ह्यूमन के लिए भी काम आ जाए, दोनों बैलेंस करके चल सके, वो होती है बेसिक सस्टेनेबिलिटी। अब उस आधार पे आप देखो कि नेशनल अगर हमने मिशन बनाया है एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो एग्रीकल्चर भी वैसे ही करनी है जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और अपने को उत्पादन भी मिल जाए। तो इसके लिए वर्षा आधारित क्षेत्र विकास होना चाहिए, यानी कौन सी किसमें कितनी वर्षा हो रही है उसके हिसाब से वहां पे अपने को कौन सा पौधा है, कौन सी जो प्लांट्स है वो उगाने हैं, कौन सी एग्रीकल्चर करना है अपने को, वो आधारित हमने उस आधार पे इसका एग्रीकल्चर का विकास करना है वर्षा आधारित। तो अगर कम अगर अपने मान लो कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक जो पानी के उपयोग वाली अगर फसलें बो दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अंडरग्राउंड वाटर वाला यूज करोगे और तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन होता है, तो आपको पहला सबसे वाला काम क्या करना है, वर्षा आधारित का क्षेत्र का इसका विकास होना चाहिए, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनफेड डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। तीसरा रहता है दूसरा कृषि वानिकी पर उपमिशन, कृषि वानिकी जिसको क्या बोलते हो इंग्लिश के अंदर में, ये वर्ड आ सकता है कभी भी, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री दोनों को मिला दो तो उसमें सबसे क्या बन गया, वैसे हिंदी में तो वैसे पता लग रहा है कृषि और वानिकी। ये क्या होता है कृषि वानिकी कि आप जब खेती कर रहे हो तो उस दौरान आप पेड़ पौधे झाड़ियां हटा देते हो, जबकि ये बोलता है कि कृषि वानिकी के आधार पे करो ताकि पेड़ पौधे इस हिसाब से कृषि करो कि पेड़ पौधों की भी एक लाइन में पेड़ लगा दो, एक लाइन में आप झाड़ियां लगा दो, ताकि वो जो पेड़ पौधे झाड़ियां वो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखेंगे और आप नीचे आराम से कृषि कर रखो। तो कई जगह आप देखने को मिलेगा कि जहां पे कृषि भी होती है और वन क्षेत्र भी हटाए नहीं जाते हैं, दोनों साथ साथ में होती है। तो उस कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक उपमिशन बना दिया क्योंकि ये ज्यादा सस्टेनेबल है। आप एग्रीकल्चर से कितने कर लो लेकिन उस हिसाब से एनवायरमेंट के हिसाब से या सोइल का भी देखो तो क्या करते हैं पेड़ पौधे झाड़ियां क्या करते हैं उनके ऊपर से जैसे उनके जो पत्ते गिरते हैं उसके हिसाब से खाद बनती है या नीचे भी उनकी जड़ों की वजह से उनमें न्यूट्रिशन बना रहता है सोइल के अंदर में भी। तो उस हिसाब से जितना एग्रीकल्चर कर रहे हो आप कृषि कर रहे हो वानिकी उसको बैलेंस कर देती है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करोगे कृषि वानिकी पे एक उपमिशन बना दिया। फिर एक बांस मिशन लेके आए थे कि बांस को बढ़ावा देने के लिए बिकॉज बांस को काफी अच्छा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि 100% ऑक्सीजन देता है, है ना। तो इसीलिए राष्ट्रीय बांस मिशन बांस को बढ़ावा देने के लिए दे दिया। मृदा स्वास्थ्य प्रबंध कि सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज को हो रहा है, कृषि जब आप करते हो उर्वरकों का यूज करते हो, रसायनों का यूज कर रहे हो, केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनका यूज कर रहे हो, तो जो है सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज को हो रहा है, मृदा को हो रहा है। मृदा से हमारे पास जो प्लांट्स है वो उगते हैं, उसी से हमें गेहूं वगैरह जो मिलती है वही हम खाते हैं, उसी हिसाब से हमारा शरीर के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। लेकिन इसी इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो है कंजर्वेशन की जरूरत है वो किसको है, मृदा को है, सोइल को हमें कंजर्व करना है। तो इसलिए सोइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए सोइल हेल्थ मिशन प्रॉपर एक लॉन्च किया गया है जो बाद में अभी फिलहाल करेंगे आगे, वैसे तो करंट में भी हो चुका है लेकिन अपन कर लेंगे बाद में आएगा तब। तो सोइल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था जो सोइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को ताकि वो अपनी सोइल की हेल्थ जान सके कि उस सोइल के अंदर में कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कितना जो उस प्लांट को चाहिए क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो कौन से जैव उर्वरक है जिनका उपयोग करके हम इसको पूरा कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा सोइल की क्वालिटी खराब हो गई है तो जैसे हमने कल देखा था फेलो लैंड हो गया तो उस हिसाब से उनको 6 महीने के लिए उसको खाली छोड़ देंगे ताकि वो अपना न्यूट्रिएंट वापस लेके आ सके। तो उस चीज को किसानों को पता नहीं चलता, इसलिए उनको पता चले इस चीज के लिए सोइल हेल्थ कार्ड दिए गए थे, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जो ये है मिशन है इसके अंडर में बांटे गए थे। तो ये भी एक तरीके से सोइल कंजर्वेशन के लिए है, तो ये सस्टेनेबिलिटी में आएगा, ठीक है। तीसरा रहता है आपका, चौथा रहेगा आपका जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि। ये तो आना ही है कोई सी भी चीज उसमें जलवायु परिवर्तन का एक एंगल जरूर आना चाहिए आपके पास कि जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि, कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से आप कृषि करो ताकि उत्पादन भी बना रहे
तो इसमें निगरानी करनी है कि कौन कौन सी, अब आई चीज आप कर लोगे, मान लो आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से इस एरिया के अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहां पे कौन सी फसलें नहीं की जा सकती है वो करने की जरूरत नहीं है। तो निगरानी करना, मॉडलिंग करना कि कौन से के अंदर में क्लाइमेट चेंज से कितना इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा जो प्लांट है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, किसके अंदर में कहां पे क्या करना चाहिए उसको करना, और नेटवर्किंग करना, ये काम है, ये जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि के अंदर में आपका आता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के दौरान भी आप सतत कृषि कैसे कर सको, ये वाला ये काम करता है। मृदा का स्वास्थ्य प्रबंधन काम करता है। तीसरा, राष्ट्रीय बांस मिशन आ गया आपका, फिर कृषि वानिकी पर उप मिशन आ गया, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास आ गया। अब जब आप पांचों को मिला के देखते हैं तो तब क्या बनता है, इन पांचों कंपोनेंट से बनता है आपका राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इनसे आप मिला के देखोगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक नेशनल मिशन मिलता है। तो जब भी आपके पास आए लिखने के लिए तो ये पांचों कंपोनेंट है उनको ऐड करके आपको लिखना है कि ये टिकाऊ कृषि का ये चीज है, इसमें पांच घटक होते हैं, इसके अंदर में हम ये पांच घटक के हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये पांच पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगली आती है आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना। ये योजना शुरू करेगी थी परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत से नाम से आपको पता लग रहा है कि हमें मॉडर्न कुछ नहीं करना है, जो ट्रेडिशनल है परंपरागत तरीके से होती है ये थी खेती, अब जाके हमने केमिकल फर्टिलाइजर है ये फालतू चीजें यूज करना शुरू करी है, खेती तो पहले भी होती थी, तो परंपरागत जो खेती होती थी उसको हमें बढ़ावा देना है। परंपरागत खेती कौन सी होती थी, जैविक तरीके से खेती होती थी, ऑर्गेनिक तरीके से जो अवेलेबल है पर्यावरण में अंदर में अवेलेबल है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, उसी को हमें यूज करके इसको बढ़ावा देना है। तो जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल कम लागत वाली तकनीकों को अपना के रसायन और कीटनाशक अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन है। जैविक कृषि, आपसे डेफिनेशन पूछ लीजिए तब से मैं बोल रहा हूं जैविक कृषि है, तो जैविक कृषि होती क्या है अगर आप लिखने के लिए पूछ लिया जाए, दो नंबर में आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको बोलते हैं, तो कैसे क्या बोलोगे, ये वहां पे डेफिनेशन दी गई। जैविक कृषि क्या है, पर्यावरण के अनुकूल, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होगी, कम लागत वाली होगी तकनीक, कम लागत वाली तकनीक को अपनाना। ठीक है, रसायन और कीटनाशक अवशेषों से मुक्त है, रसायन और कीटनाशक जो अवशेष जिससे कीटनाशक बने ऐसे हो, अवशेष छोड़े या रसायनों का उपयोग हो वैसी चीजों से मुक्त करके जो कृषि उत्पाद है उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया ही क्या बोलते हैं, जैविक कृषि बोला जाता है। तो ठीक है, तो जैविक कृषि की डेफिनेशन आपको यहां पर मिल गई। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर और पीजीएस प्रमाणन के माध्यम से, पीजीएस क्या होगी, आपकी सहभागिता गारंटी प्रणाली होगी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम हो गई। ये जैविक खेती के लिए लाए गए थे कि आपको जैविक खेती करते हो तो आपको जैविक खेती के करने के आधार पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा पार्टिसिपेटरी, क्योंकि आपने जैविक खेती के प्रोग्राम में जो उत्पादन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उस हिसाब से गुणवत्ता के आधार पे इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं है जैविक खेती कर रहे हो तो सभी चीजें सही है, जैविक खेती करते टाइम अगर गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल खराब होगी, तो जैविक खेती करने का मतलब क्या, फिर इससे तो रासायनिक खेती कर दो, कुछ क्वालिटी तो बचे है ना। तो उस हिसाब से उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम चलाएगी। तो इस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम यानी सहभागिता गारंटी प्रणाली के अंदर और क्लस्टर यानी एक सेक्शन पूरे एरिया के आधार माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरा एक क्लस्टर लिया जाता है, पूरा एक सेक्शन रीजन लिया जाता है, उसमें जैविक खेती लगाई जाती है, उसके आधार पर देखा जाता है कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, उसके हिसाब से इसको प्रोत्साहित किया जाता है। और PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना कार्यक्रम के तहत सहभागिता गारंटी प्रणाली के तहत गुणवत्ता में विश्वास है वो उसका प्रमुख दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना में न केवल जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है बल्कि उसका दूसरा काम क्या है, जैविक खेती के अंदर में गुणवत्ता कितनी है उसके लिए भी पार्टिसिपेटरी जो सहभागिता गारंटी प्रणाली है उसके थ्रू उसमें गुणवत्ता को भी चेक करते रहना है। ठीक है, तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना भी लेके आए थे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें जैविक खेती की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब जैविक खेती के में क्या करते हो, कृषि जलवायु परिस्थिति प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए अधिक व्यापक रूप से योजना तैयार करना। तो मेजरली इसका फोकस क्या है जैविक खेती का, कि कृषि जलवायु की परिस्थितियां क्या है। आप जैविक खेती करोगे तो आप देखोगे कि कौन सी कृषि और जलवायु की परिस्थितियां कौन सी है जहां पे कौन सी चीज की खेती की जा सकती है। उसके बाद आप देखोगे कि प्राकृतिक संसाधन है उनके मुद्दे क्या है, क्या प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन कर रहा है कोई चीज कोई सेक्शन में, या कहां पे कौन से प्राकृतिक संसाधन कितने उपलब्ध है जिनको आसानी से हम जैविक खेती के लिए हमें सारी चीजें प्राकृतिक यूज करनी है तो कौन से प्राकृतिक संसाधन वहां पे उपलब्ध है वो ध्यान में देने पड़ेंगे, और प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा यूज करके इसमें इस कौन सी कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं इसके लिए योजना तैयार करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसके अंदर में तैयार की जाती है। ठीक है, वही सेम रहेगा, इसमें कृषि के भी की जाएगी, पशुपालन की जाएगी, मत्स्य पालन हो गया, कुकुट पालन हो गया, बागवानी डेयरी, और राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंदर में अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वहां पे भी इस चीज की योजना तैयार की जाती है। किसके लिए की जाती है, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन कुकुट पालन जो हमने देखा था, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर सब जगह पे इसका जो ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन किसका किया जा सकता है उसके लिए जो काम करता है वो होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना। अब आपको चाहिए
पानी, तो राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना लेके आए थे। राष्ट्रीय कृषि इसमें क्या उद्यानिकी विभाग इसका नोडल विभाग, याद करना है तो सिंचाई योजना, लेकिन कौन करता है इसका नोडल विभाग कौन सा है? उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उद्यानिकी विभाग है, इसका क्या है नोडल विभाग माना जाता है। कृषि उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों यथा खेत तालाब का निर्माण करना इसमें किया जाता है। तो आप सिंचाई योजना देखते हो तो क्या करते हो, जिसे आपने देखा होगा कि टंकियां बना देते हैं आजकल, तो ताकि वहां से पंप से उठा के पानी लगा दे, जिस हम जरूरत नहीं है पानी की उसमें स्टोर कर लो, तो वो जो टंकी बनाना पॉन्ड्स बनाने हैं खेतों के अंदर में, उसमें राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना है उसके थ्रू किया जाता है। आप हमेशा देखना कि गाँव में हो चाहे कहीं खेतों में हो, कोई भी काम अगर हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके लिए एक प्रॉपर योजना तैयार की जाती है, उसके बाद ही पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो वो कर सकते हो। अगर पॉन्ड बना रहे हो उसके लिए किसी को सहायता राशि मिलती है तो किसके थ्रू जाती है, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना के अंदर से जाती है। ठीक है, अब आती है ये लास्ट वाली है आज की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई बार पूछी जा चुकी है, प्री में भी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना खरीफ 2016 की जो खरीफ फसल थी यानी जून जुलाई के दौरान वाली, वहां से शुरू किया गया था। इस योजना में खाद्यान्न फसलें, अनाज, बाजरा और दाल, खाद्यान्न फसलें हैं वो सारी, तिलहन पे भी है और वाणिज्य का या बागवानी, वाणिज्य कॉमर्शियल क्रॉप बोल दो या हॉर्टिकल्चर वाली जो बाग लगाते हैं वो बोल दो, इनके लिए फसलें शामिल की गई है। तो सारी फसलें आती है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर में, कि खाद्यान्न फसलें भी आती है, वाणिज्यिक भी आती है, तिलहन भी आता है। तो ऐसा नहीं है आपके बोल दीजिए कि फसल बीमा योजना सिर्फ खाद्यान्न फसलों के लिए, क्या बिल्कुल गलत है, तीनों आ गई आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, खरीफ फसलें रबी के लिए और वाणिज्यिक बागवानी फसलें, इन तीनों का अलग अलग प्रीमियम डिसाइड किया गया है कि कितना अगर खराब हो जाता है आपने प्रीमियम बनाया तो कितना प्रतिशत आपको मिलेगा, इसके किस आधार पे मिलेगा। तो इसके लिए प्रीमियम जो भरते हैं वो क्या रहेगा ये याद कर लो आपका, कि खरीफ फसलों के लिए कितना परसेंट है, 2% है, रबी के लिए 1.5% है, और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है उनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है, वो क्या रहेगा 5%। तो ये आपसे मिलान कर लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि क्या रहेगा। तो खरीफ फसलों का सबसे पहले जहां से शुरू किया था उसका कितना प्रीमियम है, 2% है, उसके बाद में रबी का रहेगा, बीमा योजना है ना, बीमा आप अपना इंश्योरेंस भी करवाते हो तो बीमा में प्रीमियम तो भरना पड़ता है तभी तो आपको मिलेगा, आप प्रीमियम नहीं भरोगे तो आपको फसल बीमा नहीं मिलेगा, और वे मैंडेटरी है कि आपको भरना ही पड़ेगा किसानों को, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद होगी तो उस दौरान सरकार पैसा देगी, उसी प्रीमियम से देगी। तो क्या करते हो आप, खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम कितना है, 2% आपका, रबी के लिए 1.5% है, और तीसरा रहता है आपका कॉमर्शियल क्रॉप्स है, जो है ज्यादा पैसे वाली क्रॉप्स है, नगदी वाली फसलें हैं, उनके लिए 5% का बीमा आपका माना जाता है। ये सही है चीजें, इतना ही याद करना है। और आगे भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अधिकतम प्रीमियम सब्सिडी, आप बोल दे भारत सरकार इसमें से प्रीमियम सब्सिडी कितना सब्सिडी देती है, हर एक जगह आप भर रहे हो उसमें भी सब्सिडी देगी, तो उसमें अधिकतम प्रीमियम सब्सिडी जो सिंचित क्षेत्र है उसके लिए तो कितना देगी, 25% है, और जो असिंचित क्षेत्र है बेचारों जहां पे पानी नहीं है उनके लिए यहां पे थोड़ा ज्यादा किया जाता है, उसको बोलते हो आप 30% की दी जाती है। तो फसल बीमा योजना से पूछ लिया जाए तो पूरा डाटा ये लिखना आपके लिए इतना सफिशियंट होगा। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि खरीफ 2016 से आपका शुरू की गई है फसल बीमा योजना, उसके अंदर में तीनों है जो खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें आप लिखोगे अनाज है, बाजरा हो गया, चाहे दाल हो गई, उसके बाद आप बोल दो तिलहन है वो भी शामिल किया गया, वाणिज्य के हो गया, बागवानी फसलें उनके लिए भी शुरू की गई है, तीनों के लिए पहली बार शुरू की गई। फिर जब आप प्रीमियम भरते हो तीनों के लिए क्या भरते हो, खरीफ फसलों के लिए 2% का भरते हो, रबी की आ गई तो 1.5% के हिसाब से भरते हो, और अगर आपसे बोल दिया वाणिज्यिक फसलें तो उनके लिए कितना प्रीमियम है, 5% का, और जो भारत सरकार इस जो प्रीमियम है अधिकतम प्रीमियम पे सब्सिडी देती है वो कितना रहेगा आपका सिंचित क्षेत्र के लिए, क्या रहेगा, कितना रहेगा, 25%, और असिंचित क्षेत्र के लिए वो थोड़ा सपोर्ट ज्यादा करती है वो रहेगा 30%। ठीक है, तो इतनी कर लो, और उसके बाद में अभी थोड़ी देर बाद में दूसरी शुरू कर देंगे, लेकिन ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, अभी हॉर्टिकल्चर की पड़ी है, बहुत सारी स्कीम्स बची हुई है, ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना कि इन चीजों को आप रिवीजन कर लो, और जब अगले कल ज्यादा दूसरी क्लास करें उसके साथ में जो दोबारा करेंगे तो उसमें भी इन चीजों को पता होना चाहिए। एक साथ आपको शायद नहीं पता रहेगा, लेकिन जो बड़ी वाली स्कीम्स है उनके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए आपको, जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है उसके क्या क्या किस तरीके से आपको लिखना है अभी से याद होना चाहिए, छोटी वाली जो स्कीम्स है उनके बारे में पता होना चाहिए आपसे, जैसे अलग से पूछ रहे हैं महिलाओं के लिए कौन सी है, कृषि प्रोत्साहन के लिए कौन सी स्कीम है, तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कृषि प्रोत्साहन के लिए जो स्कीम्स है वो बताई गई थी वो यही है। इसके अलावा आगे कल हॉर्टिकल्चर का भी करेंगे, उसके बाद में ये भी करेंगे कि और स्कीम्स जो बची हुई है बड़ी वाली स्कीम्स बची है वो देखेंगे, फिर वाटर के हिसाब से हम देखेंगे कि कहां पे कौन कौन से डैम बनाएंगे वो वाला भी सेक्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, इसको अच्छे से आज रिवीजन कर लेना आज के आज ही, ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अगेन, क्लास शुरू करते हैं। सेकंड जो चैप्टर अपने कर रहे थे
कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इसके अंदर में जो बेसिक पहले वाली क्लास में देख लिया था, दूसरी क्लास में हमने देख लिया था कि ये इसके अंदर में क्या क्या योजनाएं हैं, वो योजनाएं कुछ बची हुई है जिसको हम अभी साथ में कर लेते हैं, आज कंप्लीट करते हैं। योजनाओं के अंदर में जो कृषि क्षेत्र की है, एनिमल हस्बेंड्री वाली, पशुधन वाली योजनाएं हैं, वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी के अंदर में आगे देखते हैं, चलो क्या रहा है अपना कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है, इसके अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बागवानी आपको पता ही है, फल हो गया, मसाला, फूल हो गया, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, तीन ही चीज़ होती है लगभग। इसका क्षेत्रफल भी बढ़ाना है, हमें उत्पादन भी बढ़ाना है और उत्पादकता भी बढ़ाना है, ठीक है। उत्पादन टोटल उत्पादन हो गया, उत्पादकता मीनिंग पर हेक्टेयर जितना की उत्पादन हो रहा है वो टोटल हमें इंक्रीज करना है, तो इसको वृद्धि करना है। इसमें से जैसे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कितने जिलों में चल रहा है, ये कितने जिलों में चल रहा है, 24। और पीछे भी आया था तो वो याद रिवीजन करते रहना कि कौन सा मिशन कितने जिलों में चलेगा अपना, जो आया था फूड सिक्योरिटी वाला भी आया था, तो ये 24 जिलों में चल रहा है। किसने में राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है, हॉर्टिकल्चर वाला मिशन है, ये कितने जिलों में, 24 जिलों में चल रहा है। अब चलते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है एक भी नहीं पूछे, हो सकता है इसमें से दो क्वेश्चन भी आ जाए, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आपका मेंस में एज इट इज भी आ जाएगा। तो ये जो जितनी भी सारी योजना इकोनॉमिक सर्वे में दी है उनको तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कोई पुरानी योजना है, कोई नई योजना शुरू की गई है, नई वालों की डेट देख लेंगे, पुराने वालों की जरूरत है नहीं है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है कि कृषि के विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान, ठीक है, कृषि कार्य के दौरान अगर दुर्घटना होती है और मृत्यु के मामलों में कृषक खेतीहर मजदूर को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें कृषक को क्या है, कृषक साथी सहायता, कृषक का साथी बन के काम करते हैं ये, कि अगर कोई दुर्घटना होती है आपका, आप विपणन कर रहे हो, कुछ भी प्रोक्योरमेंट के दौरान है या काम करते टाइम है, आपको अगर मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें कृषक को भी मिलेगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे खेतीहर जो मजदूर है उनके लिए भी ये योजना उसमें शामिल करती है, उनको भी ये सुविधा प्रदान करती है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो आपका रहता है, इसके अंदर में तीन श्रेणी बनाई गई है, ठीक है, तीन श्रेणी बनाई गई है। सुपर ए बी श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को रियायत दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान कलेवा योजना भी शुरू की गई है, ठीक है। तो आपके पास दो आ जाएंगे, इसमें किसान कलेवा योजना आ गई, एक आ गई आपकी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। कृषि साथी सहायता योजना अगर दो नंबर में पूछ ले तो सिंपल लगाना है कि किसानों के विपणन के दौरान या कृषि कार्य करते दौरान अगर दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कृषकों को और साथ में क्या है, खेतीहर मजदूरों को भी, उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसको बोलते हैं कृषि साथी सहायता। और दो नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि किसान कलेवा योजना क्या है, तो कलेवा योजना क्या है कि जब आप मंडी में कोई सामान बेचने जाते हैं, देखा होगा, तो वहाँ पे कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे आपको एक दो दिन रुकना भी पड़ सकता है कि ठीक है आप कपास लेके गए तो उसको तुलवाने में टाइम लग गया, गेहूँ बेचने में टाइम लग गया वहाँ पे, ठीक है। तो उस दौरान में रुकते हैं, उस दौरान में क्या करते हैं कि इनमें सुपर ए और बी ऐसी श्रेणी बना रखी है कि कृषि उपज मंडी समितियों में, कृषि की उपज मंडी जहाँ पे बेचने जाते हैं उनकी समिति होती है, तो वहाँ पे आपको रियायती दरों पे अगर रुके हुए हो किसान, तो उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान कलेवा योजना शुरू की है। तो कलेवा आपको नाम से पता लग जाए, ब्रेकफास्ट के हिसाब से है कि अगर किसान वहां पे रुका हुआ है तो वहां पे जो कृषि मंडी समिति है वो आपको श्रेणीबद्ध तरीके से उनमें गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराती है, ताकि आपको मार्केट में घूमना न पड़े, कि आपको अगर दो दिन लग गए वो अपना प्रोड्यूस बेचने के अंदर में, तो भी आपको वहां पे खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो किसान कलेवा योजना हो जाएगी, ठीक है। तो एक साथ पूछे तो आपको नाम याद होना चाहिए, नहीं तो आपसे डायरेक्ट ये दो नंबर वाले सवाल है। साथ एक ही पुरानी योजना है लेकिन बहुत बार पूछी गई है, आगे पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की, ज्यादातर वो मंडियों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए योजना है। देखो हर एक तबके के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए भी योजना है, खेतों में काम करने वालों के लिए भी अलग अलग तरीके से योजनाएं हैं, तो जब आप पढ़ो तब ध्यान रखना। पिछली भी एक बार यही थी, किसानों खेतों में काम करने वाली योजना जिसमें आपको मैनुअल जो वर्क करते हो वो आप 5,000 रुपए एक परिवार को देते हैं ताकि आप वो सामान खरीद सको। तो इस तरीके से याद रखा करो कि अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, अगर दो नंबर में सवाल आ जाए कि इनके रिलेटेड श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजना है किसानों में, तो उनकी भी आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे पूछ लीजिए, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, आपको 5 नंबर में ये सीधा एक लाइन दे दी जाएगी अगर पूछा जाएगा। तो उसमें लिखना कैसे है कि यहाँ पे 5 पॉइंट है जिसके थ्रू इसमें सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है, वो 5 पॉइंट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला रहेगा गर्भावस्था के दौरान सहायता, जो सबके लिए उपलब्ध है, तो इनके लिए क्यों नहीं उपलब्ध होनी चाहिए, इनके लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद विवाह के लिए सहायता, यानी अगर खुद काम कर रहा है श्रमिक, वो विवाह योग्य है लड़की, तो उसके लिए, या फिर जो अगर
वृद्ध जन है वो काम कर रहे हैं एक उम्र के बाद में, उनकी बेटी है तो उनके लिए कितनी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तीसरी चीज क्या है, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योग्यता पुरस्कार बाकी लोगों को दे रहे हैं तो क्या श्रमिक वाले बच्चे हैं वो भी तो पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए वो सेम छात्रवृत्ति जो योग्यता के आधार पर उनको जो पुरस्कार दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाएंगे। चौथा क्या रहेगा, चिकित्सा सहायता बाकी लोगों को करवाते हैं तो मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को भी वही सेम चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएंगे, देखेंगे एक एक। और एक पेरेंटल लीव होती है कि आपको पिता को भी छुट्टी मिलती है जब आप कहीं काम कर रहे हैं या प्रेगनेंसी के दौरान जब है, मदर को तो छुट्टी मिलती है 6 महीने की, लेकिन यहाँ पे पिता को भी हर जगह छुट्टी मिलती है, तो इनमें जो है पेटर्निटी लीव जिसको बोलते हैं पिता की छुट्टी है वो भी इसमें इंक्लूड की गई। तो यहाँ पे बेसिकली 5 पॉइंट है जिसमें आपको ये लिखना है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है भाई, एक एक को देख लेते हैं। अब आप बोलते हो गर्भावस्था सहायता, जिसमें याद रखनी है क्या करना है कि माँ के लिए 45 दिनों के गैर कुशल श्रम के बराबर, बिकॉज ये श्रमिक है। अब आप कितना वेतन दोगे, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर उसको गर्भावस्था के दौरान 6 महीने का मैटरनिटी लीव देते हो तो उसमें आपको पूरी सैलरी मिलती है जो हर महीने की होती है, वो फिक्स होता है क्योंकि वो गेस्टेड है, उसको जितनी सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी कैसे डिसाइड करोगे, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सैलरी डिसाइड करने का इस हिसाब से डिसाइड किया गया है कि गैर कुशल श्रम जो आपका मिलता है उसके बराबर 4 पार्ट में बांटा गया है, आपका गैर कुशल होनी चाहिए, कुशल श्रमिक होने चाहिए, इस हिसाब से 4 पार्ट में आपको बांटा गया है। वो हम जब पॉवर्टी वाला पॉइंट करेंगे उसके अंदर में दिया गया है कि किस में कितना पैसा दिया जाता है, किसी में 205 दिए जाएंगे, किसी में 215 रुपये दिए जाएंगे एक दिन के, किसी में 235 रुपये दिए जाएंगे, तो इस हिसाब से 45 दिनों के बराबर गैर कुशल श्रम के बराबर आपको यहाँ पे राशि मिलेगी गर्भावस्था सहायता की। और पिता के लिए जो पेटर्निटी लीव देते हैं वो कितने देते हैं, 15 दिन की देते हैं, तो वो भी 15 दिन अगर छुट्टी पे जा रहा है तो उसको भी वो सेम गैर कुशल श्रम की दर के आधार पे आपको पैसे मिलेंगे। समझ आएगी क्या बात है कि गर्भावस्था के दौरान जो आप राशि की सहायता देते हो कैसे दोगे, किस आधार पे दोगे, मदर को 45 दिन का जो वो दिहाड़ी जा रही थी उस हिसाब से वो किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, गैर कुशल श्रमिक के हिसाब से, जिसका कितना 205 हो चाहे 215 हो, उस हिसाब से आपको उस टाइम पे कितना पैसा लग रहा है उसमें कितना अलोकेट किया गवर्नमेंट ने कि गैर कुशल श्रम को कितना देंगे, उस हिसाब से 45 दिनों की सहायता देंगे और पिता के लिए 15 दिन की सहायता देंगे। ये तो आपकी होगी गर्भावस्था सहायता जो वित्तीय सहायता पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आओ विवाह के लिए सहायता। अगर खुद विवाह योग्य है लड़की जो वहां पे श्रमिक काम कर रही है तो उसके लिए भी होगा, नहीं है तो उनकी बेटी है अगर, तो 2 बेटियों तक की शादी के लिए 50,000 रुपए आपको यहाँ पे सहायता राशि दी जाएगी ताकि श्रमिक है तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके। कितनी के लिए, 2 बेटियों तक के लिए, या खुद है तो खुद के लिए भी वो ले सकते हैं 50,000 रुपए सहायता। ये तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योग्यता, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए, श्रमिक के लिए बच्चे को प्रमोट करने के लिए अगर 60% से अधिक की राशि आ रही है तो उनको कुछ स्कॉलरशिप राशि प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें 60% से अधिक आना चाहिए, यानी पढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है सबको नहीं देते। ठीक है, तो ये वाला कर लेना तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी, कि गंभीर चिकित्सा सहायता कभी भी उपलब्ध करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना हर एक स्कीम में ऐसा बोला जाता है कि गंभीर बीमारी है तो उसके लिए अलग होगा, नॉर्मल जो आप अगर हो गए बीमारी है तो उसके लिए अलग होगा। तो गंभीर बीमारी में आपको कितने 20,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है इसके अंदर, कि आपको गंभीर बीमारी होगी है कोई श्रमिक मंडी श्रमिक के अंदर में काम कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अब चौथी में पांचवी में बता ही चुका हूँ कि पिता की छुट्टी, और पिता की छुट्टी के लिए यहाँ पे 2 बच्चों तक के लिए छुट्टी दी जाती है आपको, हमेशा जो भी स्कीम रहती है गवर्नमेंट की सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए रहती है, किसी की भी हो, नॉर्मल बंदे के लिए भी हो चाहे श्रमिक के लिए हो, तो यहाँ पे पिता की राशि के लिए भी 2 गर्भावस्था अवधि के लिए 15 दिन की इसमें दिया जाती है छुट्टी, और गैर कुशल श्रम दर के आधार पर उसको वेतन का भुगतान किया जाता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए, अगर 5 नंबर में लिखने को दे दिया जाए महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना क्या है पुरानी लेकिन बहुत कई बार याद चुकी है तो दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो ये क्या रहेगा, आपको 5 पॉइंट में बताना है, गर्भावस्था सहायता लिखनी है, विवाह सहायता देते हैं, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योग्यता पुरस्कार देते हैं, और चिकित्सा सहायता दी जाती है, और पिता के पेटर्निटी लीव यानी पिता की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई है, तो ये काम इसमें किया जाता है। ठीक है, अब वापस से छोटी स्कीम्स आ गई वापस, कृषक उपहार योजना। यह योजना देखो, कृषक उपहार योजना नई योजना है, 2 नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कृषक उपहार योजना। ये 1 जनवरी 2022 से शुरू की गई है। ठीक है, यह योजना 1 जनवरी 2022 से ई नाम पोर्टल पर उन सभी व्यक्तियों को कवर करने के लिए शुरू की गई है जो ई नाम के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं। अब आप बोलते हो ई नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है,
ठीक है, जहां पे कोई भी किसान है वो बेच सकता है और दूसरा बोली लगाएगा कि मैं इतने में खरीद सकता हूं। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, बीच वाले को हटा के, जो बिचौलिया है उनको हटा के डायरेक्ट जो खरीदना चाह रहा है उसको अपना माल बेच सकते हो। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको प्रमोट किया जाए ताकि जो बिचौलिए हैं वो जो पैसा खा रहे हैं वो नए होकर किसानों के पास डायरेक्ट पैसा पहुंचे उपज का। अगर 100 रुपए आपको बोला जाए कि 5,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपसे कपास है जो मंडी में बेच रहे हो, लेकिन वो मंडी वाला भी तो कुछ पैसा तो रखेगा अपना, तो आगे जाके जब जिसको जरूरत है, मिल वालों को जिसको जरूरत है, जिनको खरीदना है, वो राजस्थान में भी हो सकता है। ईनाम पोर्टल के थ्रू फायदा क्या है कि आप कहीं भी बेच सकते हो, किसी भी बेच सकते हो, महाराष्ट्र में बेच सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो, तो वो हो सकता है आपसे 7,000 रुपए में डायरेक्ट खरीद ले। तो ये गवर्नमेंट बोली इनको क्यों दे रहे हो आप, डायरेक्ट इनको बेचो ईनाम पोर्टल के थ्रू। अब किसान है उसमें शिफ्ट होने में टाइम लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, उनको थोड़ा इंसेंटिव देने के लिए क्या करते हैं, कृषि उपहार योजना शुरू की गई है। कृषि उपहार योजना शुरू की गई है, उसमें क्या है कि जितने भी व्यक्ति ई नाम पोर्टल के थ्रू अपना जो उपज बेच रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उनको कृषि उपहार योजना के थ्रू उनको कूपन दिए जाएंगे। और यह शुरू कब हुई थी, नई योजना, इसलिए इसकी डेट भी लगानी है, पहली 1 जनवरी 2022 पिछले साल 1 जनवरी 2022 को इसमें शुरू की गई। 10,000 या इसके गुणक की प्रत्येक बिक्री पर, बिक्री पर्ची के साथ या ई पेमेंट भी करोगे तो उसके साथ भी एक कूपन जारी किया जाता है। तो मीनिंग यही है कि इसमें आप 10,000 रुपये का एक कूपन मिलेगा, आप 10,000 रुपये की एक राशि करोगे तो एक कूपन मिलेगा, 20,000 हो जाएगी तो 2 कूपन मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको कृषि उपहार योजना के थ्रू इंसेंटिव दिया जाता है कि ई नाम पोर्टल पे बेचो, उसमें हर 10,000 रुपये की बिक्री के ऊपर में आपको एक कूपन दिया जाएगा, जो कितने रुपये का हो सकता है, मान लो 1,000 रुपये का हो गया, 500 रुपये का हो गया, कुछ खरीद के लिए दे दिया गया, जैसे ऑनलाइन अपने को कूपन मिलते हैं तो उस हिसाब से आपको ये राशि दी गई। तो याद रह जाएगा नंबर के लिए, कृषि उपहार योजना अगर आपके पास आ जाती है तो डायरेक्ट ये लिखना है कि ठीक है इनाम पोर्टल पे बेचने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए दिया जाता है। अब ये योजना ही थी, ये बड़ी योजना है, ये सारी एक पिछले वाली योजना थी, ये योजना थी, 5 नंबर वाली सारी योजना है, वो 2 नंबर वाली है, ठीक है, अपने आप खुद ही पता लग जाएगा आपको। ये क्या है, राजस्थान कृषि प्रशिक्षण प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात, ठीक है, कि आपको क्या करना है, प्रोक्योर करना है, प्रोसेस करना है, उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए जो राजस्थान ने जो उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो पॉलिसी लाए थे 2009 की, ये वाली पॉलिसी है, ठीक है। वैसे नाम से अगर लिख के भी लिखोगे तो भी आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, लेकिन जैसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 की पॉलिसी है। इसकी प्रमुख विशेषता लगा के आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है, उतने ही पॉइंट आपको यूज करनी है, लगभग 5 पॉइंट में अंदर में ये कवर हो जाएगी, ठीक है। पहला क्या है कि कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आपने कटाई कर ली, अभी गेहूं की कटाई होने वाली है, लेकिन बारिश आ रही है तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ये चीज कपास के साथ होती है कि उस दौरान बारिश आ जाती है, तो कटाई के बाद के नुकसान को रोकने के लिए क्या करते हैं, क्लस्टर आधारित एक पॉलिसी बनाएंगे कि एक क्षेत्र वाइज देखेंगे कि इस एरिया को पूरा क्लस्टर बनाओ, यहाँ पे कब बारिश होती है, कौन कौन सी फसलें ज्यादा नुकसान करती है, कि नुकसान हो रहा है, दूसरी जगह एरिया होगा, सब फसलों के लिए एक साथ नहीं बता सकते आप कि कटाई के नुकसान के बाद जितना होगा उसमें इतना परसेंटेज का हम उसके हिसाब से भी भरपाई कर देंगे, आपको सब्सिडी दे देंगे, आपको यहाँ पे नुकसान है उसकी भरपाई कर देंगे, क्योंकि हर एक क्लस्टर क्षेत्र जो आप चुनते हो, एक रीजन चुनते हो, उसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र में बारिश के बाद नुकसान होता है, किसी के अंदर में नहीं होता है। जैसे राजस्थान के अंदर में हो सकता है कि एक एरिया के अंदर में हमेशा बारिश आती है जब गेहूं का नुकसान होगा, एक एरिया में बिल्कुल कभी नहीं आती, तो उसमें हो सकता है कि फसल कटाई के बाद में कोई नुकसान ना हो रहा हो। तो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है जो अपना देख रहे हैं, उसके हिसाब से इसको नुकसान को कम करना, ठीक है। तो बिकॉज कृषि का अपने को क्या करना है, प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है एक तरीके से, ठीक है, प्रोत्साहन करना है। तो सबसे पहला ये हो जाएगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसान और उसके संगठनों की भागीदारी बढ़ाना, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज कृषि से संबंधित प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको, प्रोक्योरमेंट उसका बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो किसानों की भागीदारी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उनसे किसानों की और जो किसानों के जो संगठन है, सारे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन मान लो कह देते हैं उनको FPO, तो उनके जो संगठन है उनकी भागीदारी को बढ़ाना है, उनसे पूछना कि आपको और क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत तो गवर्नमेंट को पता लग गई लेकिन इसके अलावा और भी दिक्कत हो सकती है, तो उनसे भागीदारी बढ़ा के उनसे पूछना। फिर सीधे मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में किसानों को शामिल करके उनकी आय को बढ़ाना। अब मैंने जैसे अभी पिछला वाला कराया था, इनाम किसके लिए लेके आए थे, इसीलिए लेके आए थे कि आपका जो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन हो रहा है या जो सप्लाई चेन है उसमें डायरेक्ट किसानों को इंटीग्रेट करना, ताकि बिचौलियों को आप हटा सको, ठीक है, समझ आ गई। जैसे इनाम पोर्टल के थ्रू आपको बेचना है तो डायरेक्ट उसको बेचो जिसको खरीदना है, बजाय कि बिचौलिए को बेचने, मिडल मैन को हटाना है, इसलिए बोलते हैं वैल्यू एडिशन वाले में, और जो आप बोल दो सप्लाई चेन बोल दो या तो उसमें किसानों को शामिल करके उनकी आय को बढ़ाना, ये तीसरा पॉइंट इस पे फोकस किया गया। चौथा क्या किया गया, राज्य में बड़ी मात्रा में उत्पादित विशिष्ट फसलों के मूल्य संवर्धन और फसलों के निर्यात को बढ़ावा देना। अब कोई होगा जो हिम्मत करके मान लो नई फसल भी उगा लेगा, कोई मेडिसिनल प्लांट भी लगा लेगा, तो वो ज्यादा आप कारगर भी है, लोगों के लिए फायदेमंद भी रहते हैं, लेकिन उसको बेचने की अगर उसके पास में
सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो वो दूसरी बार नहीं लगाएगा या आसपास के किसान नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या किया कि बड़ी मात्रा में उत्पादित अगर कोई विशिष्ट फसल है तो उसके मूल्य को संवर्धन करना और फसलों के निर्यात को बढ़ावा देना ताकि उनको गवर्नमेंट है परचेज करके एक्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवा सके ऐसी प्लांट्स को जो ज्यादा उपयोगी है। उसके लिए आपको फोर्थ पॉइंट मिल गया कि ये काम हमें राज्य में कृषि प्रशासन के लिए, कृषि आपका व्यवसाय के लिए, कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि पैसा कृषि के अंदर में तभी आएगा जब आप ऐसी जो किसानों को ऐसी फसलों को आप प्रोत्साहित करोगे जो ज्यादा मूल्य दे रही है आपको, ज्यादा प्राइस दे रही है, तभी किसानों की आय आपकी बढ़ेगी। तो चौथा पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अपने कि रोजगार का सृजन जो इंपॉर्टेंट है कि खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास करना। हमने वैसे भी कृषि बजट में देखा था कौशल विकास के लिए कितना था, सबसे कम था 1.25% ही बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा लेकिन स्कीम के अंदर में सब में लाइन लिखी हुई है लेकिन इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। पैसा तो 1.25% है लेकिन लाइन क्या लिख रही है कि खाद्य प्रसंस्करण है जो आपका जो फूड प्रोसेसिंग वाली सेक्टर है जिसके अंदर में कौन से आ जाएंगे कि फूड प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने वाले फूड है सारे के सारे, जैसे आप मान लो डेयरी वाला ही मान लो फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आ जाएगा या टोमेटो मान लो जो खराब होने वाली है चीजें, है ना, उनको अगर आपको खाद्य प्रसंस्करण कैसे किया जाना है उनका, उनके लिए प्रशिक्षण देना है तो उसके हिसाब से कौशल विकास करके रोजगार का सृजन करना है आपको, ठीक है, तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे देखो पूरे के पूरे 5 पॉइंट है जिनको आपको एकदम से याद होना चाहिए कि राजस्थान में कृषि प्रशिक्षण के हिसाब से उनको व्यवसाय के तौर पर बदलने के हिसाब से उनको एक निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन जो नीति आई है उसके अंदर में आपके पास क्या क्या पॉइंट है, तो इसके अंदर में ही 5 पॉइंट है जो हमेशा याद रखना, ठीक है, हो जाएगा ये काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सा है लगभग, किसी के अंदर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी के अंदर में वो 5 पॉइंट लिखने के बाद में आपको ये भी बताना है कि इसके अंदर में वित्तीय सहायता कितनी दे रही है, क्योंकि अब तक तो जो था वो एक तरीके से सब्जेक्टिव था, उसमें कोई डाटा हमारे पास नहीं आया था, असली तरीके से बताएं तो किसान और उसके संगठनों को अधिकतम 100 लाख, जैसे देख लो 100 लाख रुपए की बात की गई है, जो परियोजना लागत के 50% तक हो कृषि प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए। अब आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट के हिसाब से आपने अगर कोई प्लांट लगा दिया, ठीक है, कोई भी चीज मशीन आप यूज करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी डेवलप करते हो, तो उसकी लागत के हिसाब से किसानों को कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उसके हिसाब से क्या करते हैं कि अगर इसमें लागत जितनी आ रही है उसका 50% या तो, या फिर आप क्या करोगे 16 लाख रुपए दे हुए अधिकतम, जितने भी संगठन है, ये किसान तो कर नहीं सकता, ये सारे किसानों का संगठन है, या तो वो स्थापित करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इनमें इन्होंने डिवाइड कर लिया कि टोटल जो प्रसंस्करण की अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है उसका या तो 50% दोगे या ज्यादा से ज्यादा आपको 16 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। पूंजी की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है अगर किसान और उसके संगठन करते हैं, इसके अलावा किसान और उसके संगठन न करने के बजाय अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन अगर ये काम करता है, उनके अलावा कोई भी पात्र उद्यमी है वो अगर काम करता है तो उसको क्या करोगे, हमें पता है कि उसके पास किसानों से तो ज्यादा ही पैसा है तो उसके लिए जो सब्सिडी की सुविधा है वो थोड़ी कम है, वो क्या रहेगी आपकी कि जो टोटल लागत लग रही है उसका 25% देंगे या आपका 50 लाख रुपए देंगे। तो समझ आ गया, किसान कर रहे हैं या किसान को ग्रुप कर रहे हैं या उसका संगठन मिला के कर रहे हैं तो जितनी लागत आई है उसका 50% या फिर अधिकतम कितना 16 लाख रुपए टोटल को दे सकते हैं, जितना भी प्रोक्योरमेंट है उसमें सबसे ज्यादा ज्यादा इतनी सब्सिडी दी जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई और पात्र उद्यमी इसको करता है यानी किसानों के अलावा कोई बंदा करता है तो उसके पास पैसा होगा वो ये काम करेगा तो उसके लिए थोड़ी सी सुविधा कम कर दी है गवर्नमेंट ने, 25% कर दिया और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए हम देंगे। समझ में आ गई वित्तीय सहायता सारी कि कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, और 5 पॉइंट है वो आपके पास ही है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आया कृषक कल्याण कोष, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसानों को कल्याण के लिए क्या कोष स्थापित किया गया है तो 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था, यह है 1000 करोड़ का, सबसे पहले राशि डाली गई थी इसमें 1000 करोड़, उसके बाद में 1000 करोड़ का अतिरिक्त लोन लेके उसके अंदर में उसको दुगुना कर दिया गया, तो अभी कृषक कल्याण कोष कितना है 2000। आपसे बोल दिया जाए कृषि कल्याण कोष की स्थापना कितने पैसे के द्वारा की गई थी, 1000 करोड़ के द्वारा, ठीक है, 1000 करोड़ से इसकी स्थापना की गई थी, स्टार्टिंग में कृषक के कल्याण के लिए कोष लगाया गया था, उसके बाद में 1000 रुपए जो 1000 करोड़ है रुपए और ऐड कर दिए थे, अब टोटल आपके पास में कृषक कल्याण कोष में 2000 करोड़ रुपए आपके पास पड़े हैं जो आप है खर्च कर सकते हो। इस कोष का उपयोग कहां करोगे, किसानों को उसकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने के लिए किया जाएगा कि अगर कहीं भी एकदम से अगर मार्केट गिर जाता है, अगर आप किसानों के पास बहुत सारा गेहूं पड़ा है लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू गिर गई है तो किसान वहां पे तो बेच नहीं सकते, यही चीज आपने देखा होगा कि कई जगह आलू हो गए प्याज हो गए जो किसान सड़कों पर फेंकते रहते हैं, तो वो दिक्कत ये है कि वहां पे वाजिब दाम आपको मिल नहीं रहा है, उसके
दौरान अगर किसान अगर सरकार के पास पैसा होगा, ऐसा कोई कोष बनाया होगा, तब तो खरीद सकती है। लेकिन एकदम से अगर नहीं बनाया हुआ तो उनके पास एकदम से पैसा आएगा नहीं, आप उपज खरीद नहीं सकते। तो जो वाजिब दाम है उपज के, वो दिलवाने के लिए सरकार ने ये क्या है, इमरजेंसी एक जो है फंड बनाया हुआ है, जिसका नाम क्या है, कृषक कल्याण कोष। तो दो नंबर का ये तो ये है, या पुराने वाला दो नंबर का आ सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि 1000 करोड़ का ये कोष है। 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया था, 1000 करोड़ का लोन लिया गया था, उसके अंदर में ऐड करके 2000 करोड़ अपने पास पड़े हैं कि अगर किसी को उपज का दाम नहीं मिलता है तो वो 2000 करोड़ में से अपन खरीद करके उसको उपज का दाम दिया जा सकता है। अब देखो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, ठीक है। अब खाद्य प्रसंस्करण है जो आपने दो चीज देखी होगी, एक तो होता है नॉर्मल कैश क्रॉप होगी वो देख ली, एक होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब फूड वाली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, सप्लाई चेन की, कि जो फूड है वो खराब होने वाली चीज होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में जितना भी जो सामान आएगा, सारे कितने भी आए चाहिए उसमें, कोई सा भी आए, वो छोड़ दो, फूड है। आप देख के देखो कि फूड क्या, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करोगे अगर फूड के रिलेटेड कोई चीज है तो वो ज्यादा खराब होगी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, और दूसरी यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन सी, कोल्ड स्टोरेज की। कोल्ड स्टोरेज की होता है ना कि आप कोल्ड स्टोरेज के अंदर में तो डाल के फूड प्रोसेसिंग वाली जो भी चीजें हैं आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल इतनी ज्यादा है नहीं ज्यादा मात्रा में, इसलिए फूड प्रोसेसिंग जो खाद्य प्रसंस्करण वाले हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर ऐसी कोई फसलें बोई जाती है जो खाद्य प्रसंस्करण में शामिल होती है जो, तो या पेरिशेबल मान सकते हो उनको, जैसे टोमेटो हो गया तो पेरिशेबल है वो खराब हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज जो फूड प्रोसेसिंग में शामिल हो रही है जो खराब हो रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से, कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से, तो उनके लिए क्या किया गया था, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन जो आपको योजना लाई गई थी। इसमें क्या है, असंगठित जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसको उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया का जो है फूड मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आपको ये असंगठित है खाद्य प्रसंस्करण, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, एक तो ऑर्गेनाइज रहता है उनके पास तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगी, उनके पास तो अपने कोल्ड स्टोरेज रहेगा क्योंकि ऑर्गेनाइज के पास में ज्यादा पैसा रहेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है अगर वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना आई गई है। इसमें नोडल एजेंसी राजस्थान के अंदर में कौन सी है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, याद कर लेना, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, क्योंकि कृषि से संबंधित है तो राजस्थान ने क्या किया, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है ना जो मार्केटिंग वाला, वो आपका इसमें शामिल कर दिया। केंद्र राज्य का हिस्सा मैं बता चुका हूं, कोई भी योजना हो उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या रहेगा, 60-40 का रहेगा। कृषि के अंदर में तो फिलहाल यही है, वो याद नहीं करना आपसे, अगर मैंने यहाँ किसी की योजना में नहीं भी लिखा है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो ये चीज आप जरूर लिख देना, ठीक है, 60-40 का है, क्योंकि सबके लिए यही है तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस योजना में 2020-21 से लेकर 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के प्रीव्यय की परिकल्पना की गई है, यानी कितना पैसा लगा रहे हैं, 2020-21 से शुरू किया है इसलिए ये योजना पूछ सकते हैं, अगले 5 साल 24-25 तक आपको इसके अंदर में कितना खर्च करना है उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बढ़िया बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज की वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, जो भी खाद्य प्रसंस्करण में जरूरी होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। उसमें देखो राजस्थान को कितना मिलता है, फिर राजस्थान भी कितना, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है ये कितना उसमें से खर्च कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कोई योजना आ जाए तो वो किससे संबंधित है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वो करता है, राजस्थान के अंदर में राज्य कृषि विपणन बोर्ड करता है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 60-40 का इसका आपका अनुपात रहेगा, टोटल जो व्यय रहेगा अगले 5 सालों के अंदर में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, इतना तो सफिशियंट है कोई सा कितना भी नंबर में आ जाए तो, ठीक है। अब आप देख लो कि इसके अंदर में किया क्या गया, अगर आपसे बड़ा पूछ लिया जाए, दो नंबर में पूछ लिया तो आप लगा दोगे, अगर 5 में आ गया तो वो लाइन तो लिखनी है, उसके अलावा आपको क्या आपका पॉइंट है इसमें, योजना के अंदर में किया क्या जाएगा, कि मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी या FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया था किसानों के संगठन, समय सहायता समूह या सहकारी समिति द्वारा ऋण तक की पहुंच में वृद्धि, सबसे पहला काम क्या रहता है कि अगर किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी भी योजना के अंदर में, किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में हम बात करते हैं उनको सपोर्ट करना है तो उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऋण की उपलब्धता प्रोवाइड कराना सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है, क्योंकि उनको बैंक ऋण देने में हिचकिचाते हैं, ज्यादा ऋण देते नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा कोई भी उसको दे देंगे, अनऑर्गेनाइज ठेले वाला देख लो ये ऋण के लिए जाएगा तो क्या रहेगा, उसके पास कोलेटरल नहीं होता तो वो वहां पे ऋण की उपलब्धता नहीं रहती, इसलिए सबसे पहला काम कोई सी भी योजना उसमें ये किया जाता है कि सूक्ष्म जो मौजूदा अभी सूक्ष्म खाद्य माइक्रो वाले जो खाद्य संस्करण उद्यमी है जिनको कोई भी लोन नहीं दे रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनको लोन नहीं दे रहा है, समय सहायता समूह है या फिर सहकारी समिति है उनके द्वारा
ऋण तक क्या है पहुंच में वृद्धि करना है। दूसरी, अब देखो कि दूसरी पहली चीज तो ये होगी, अब पैसा भी आ गया तो क्या होगा कि एक बताओ मार्केटिंग कौन कर ज्यादा कर सकता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके पास ज्यादा पैसा है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो मार्केटिंग नहीं कर सकते। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब कोई भी चीज बेची नहीं जा सकती, जब तक लोगों तक पहुंच नहीं होगी। पहुंच बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करना। मैंने बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ इनको जोड़ना ही मेन इंपॉर्टेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो संगठित जो आपूर्ति श्रृंखला आपकी चल रही है उसके साथ जोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी उनकी और मार्केटिंग को मजबूत करना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या करेंगे, उनके ब्रांडिंग करना और उनकी मार्केटिंग करना ताकि वो संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ सके। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि 2 लाख जो अभी मौजूदा कितने 2 लाख उद्यमी है लगभग, उनको औपचारिक ढांचे में बदलने के लिए समर्थन देना कि लगभग 2 लाख ऐसे हैं जिनको आप औपचारिक तौर पे ढांचे में शामिल कर सकते हो, यानी अनऑर्गेनाइज से उनको शिफ्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में धीरे धीरे। फिर प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला और भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और उसमें इन सेवाओं द्वारा पहुंच में वृद्धि करना। मेनली क्या काम है कि जो जी चीजें यूज हो रही है आपकी प्रोक्योरमेंट के लिए यूज हो रही है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है, स्टोरेज के लिए जो जो सुविधा यूज हो रही है वो सारी सुविधाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उपलब्ध कराना। बिकॉज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मैंने बताया जैसे कोल्ड स्टोरेज जैसी बहुत सारी समस्याएं जो आपको दूर करनी पड़ेगी, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराना उनके लिए, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थान हो गया, अनुसंधान प्रशिक्षण, मैंने बताया था कि इसमें पैसा तो बहुत कम देते हैं लेकिन हर एक योजना में लाइन मिलेगी। क्या लाइन मिलेगी कि संस्थान जितने भी है, अनुसंधान जितने भी है और प्रशिक्षण को सुदृढ़ीकरण करना, यानी उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देना। तो ये सेम 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि उनको पैसे उपलब्ध कराना, दूसरा उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करना अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए, तीसरा रहेगा कि 2 लाख से ज्यादा है उनको औपचारिक तौर पर औपचारिक ढांचे में बदल देना, अनऑर्गेनाइज्ड को कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाए वो। चौथा रहेगा कि उनके लिए जितना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए चाहिए, आपको प्रशिक्षण के लिए चाहिए, आपको प्रयोगशाला चाहिए, भंडारण की सुविधा उपलब्ध करानी है, पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध करानी है, कैसे बेचना है, तो वो जितना भी आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए वो उनको उपलब्ध करवाना। पांचवा क्या रहेगा कि खाद्य संस्करण के हिसाब से उनको ट्रेनिंग लिख देना चाहिए, ज्यादा नहीं याद रहे तो उनको ट्रेनिंग ट्रेन करना, मतलब ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना संस्थानों के माध्यम से और अनुसंधान प्रशिक्षण के माध्यम से उनको मजबूत करना, ठीक है। तो ये आपका योजना के प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे और ये हम देख चुके हैं कितना पैसा लगाएंगे, कौन लगाएगा, इंडिया के लेवल पे, राजस्थान के लेवल, ठीक है, हो गया ये। तो ये सारी थी कृषि की योजनाएं जो आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। इसमें से कोई ना कोई योजना आपको 5 में या 2 नंबर में मिलेगी, नई वाली योजना है वो तो 100% आने के चांस है, लेकिन पुराने वाली योजना भी मिल सकती है, क्योंकि जब तक बजट के अंदर में उनको अलोकेशन किया जा रहा है, जब तक उनको पैसा मिल रहा है तब तक वो योजना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं पशुधन के हिसाब से, हमने किया था कृषि किया था, उसका सारा देख लिया, प्रोडक्शन भी देख लिया किसमें कितना हो रहा है, खाद्यान्न के अंदर में कितना हो रहा है, याद रखना भूल मत जाना, साथ साथ में करते रहना। आज वाला के अंदर में ये कंप्लीट कर लेंगे, कल वाले के अंदर में शायद फॉरेस्ट्री अगर छोटा पॉइंट रहना तो साथ में मैं क्वेश्चन भी ले आऊंगा थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से 20-30 क्वेश्चन, ताकि आपको पता लगता रहे, रिवीजन होता रहे कि कितने लाख का उत्पादन हुआ है, क्या हुआ है, जो हमने पहले किया था वो उसमें कितना ध्यान रखना है हमें। अभी कर लेते हैं पशुधन के हिसाब से, पशुधन में इंपॉर्टेंट क्या है, 2019 के अंदर में सबसे पहले हुई थी पशुधन की गणना, ठीक है। अब यहाँ पे 2019 वाली है वही हमें करनी है, नई वाली पशुधन की गणना हुई नहीं है बिकॉज उस पर कोरोना आ गया, पॉपुलेशन वाली नहीं हुई थी इसकी, किसकी होगी, कुल पशुधन है हमें पता होनी चाहिए कितने हैं, टोटल पशुधन हमारे पास कितने हैं, 568 लाख है। 568 लाख का मीनिंग क्या हुआ, गणित आती है वो बताओ, और आसानी से इसको क्या बोल सकते हो, 568 लाख को 5 करोड़ 68 लाख, तो इसे अपने हिसाब से पॉपुलेशन जो पुराने वाले पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये लगभग, तो 5 करोड़ 68 लाख रुपए कुकुट पक्षियों की संख्या अलग से पूछी जाती है, कुकुट पक्षियों की संख्या अलग से पूछी जाती है, वो क्या है 146 लाख, यानी 1 करोड़ 46 लाख है वो कुकुट है, मुर्गियां वगैरह है मुर्गी पालन में करते हैं जो। तो टोटल आपको पता लग गया पशुधन कितने और कुकुट कितने, 568 तो आपके लाख है पशुधन और कुकुट पक्षी है वो रहेंगे आपके 146 लाख, ठीक है। अब आता है कि देश के पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, हमेशा कृषि की थी तब उसके आंकड़े किए थे, तब भी हमने देखा था कि जो उत्पादन है उसका देश के हिसाब से कितना हिस्सा है, और यहां भी अपने देखेंगे कि तो राज्य में देश का लगभग 10.60% पशुधन है, ये लाइन कभी भी पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है राजस्थान का कितना प्रतिशत कृषि वाला देखा था, कितना प्रतिशत हम पशुधन देखेंगे, तो सबसे ज्यादा कितना है 10.6% है जो प्रतिशत पशुधन है राजस्थान में। इसके अंदर में कौन कौन से अलग अलग देखें तो क्या रहेगा, देश में लगभग 7.2% मवेशी रहेंगे, मोटा मोटा देखो एक बार याद नहीं मत करना, 12.4% भैंस होगी, 14% आपकी बकरियां होगी, टोटल बकरी है देश में उसमें 14% राजस्थान में मिलती है, 10.6% भेड़ रहेगी, 84% ऊंट है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा बन जाता है, ऊंट सबसे ज्यादा है, कितने प्रतिशत है 84.4%,
84.4% ऊंट है, ठीक है आपके पास में। और अगर हम बेड़ों की संख्या और इनके देखें तो भी रहेगी 10.6% बेड़ों की संख्या। टोटल जितना प्रतिशत था देश राजस्थान का देश में, उतने ही प्रतिशत में आपकी भेड़ पाई जाती है 10.6% के हिसाब से भी, ठीक है। और राज्य में अगर हम देख लें दूध के देख लो और ऊन का योगदान देख लो तो कितना रहेगा, टोटल जो देश में दूध का उत्पादन होता है उसका दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये रहेगा कि दूध का उत्पादन का कितना हिस्सेदारी है, तो वो रहेगा 14.6%। टोटल जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है उसके अंदर में जैसे कि सरस हो रही है, मूल डेयरी आपने देखा होगा, और बहुत सारी है जो पूरे देश में उत्पादन हो रहा है, तो उसका 14.6% है वो राजस्थान का योगदान रहता है, ठीक है। और ऊन के उत्पादन में 42.43 का रहता है। तो ये चार डाटा आपको याद होना चाहिए, 42.4% का। तो राजस्थान का टोटल हिस्सा कितना है, 10.6%, याद कर लो। दूसरा मैंने बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर रहेगा आपका ऊंट का, लगभग 84.4% है, सब ठीक है, 85% हो गया ये। और इसके बाद में देश में दूध के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, 14.6% है जो टोटल दूध का उत्पादन करते हैं। और ऊन के उत्पादन में देखो यहाँ पे भेड़ वगैरह बकरी कितने हैं, 10% 12% पे रहे, लेकिन जो ऊन का उत्पादन होता है उसके अंदर में यहाँ पे 42.4% का आपका योगदान रहता है राजस्थान का, 42.4% ऊन के योगदान, ठीक है। तो ये तो रहेगा बेसिक जो डाटा। अब आपसे पहला बेसिक डाटा पूछ लिया, फिर अलग अलग योजनाएं की बजाय छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट योजना है वो तो करेंगे, लेकिन आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए पशुपालन विभाग द्वारा प्रमुख क्या क्या पहल की गई, क्या ऐसे मेजर इनिशिएटिव लिए गए हैं जो इसको एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विभाग के अंदर में आप ज्यादा योगदान देने के लिए या उसका बढ़ाने के लिए, हिस्सा बढ़ाने के लिए, तो पशुपालन विभाग कर क्या रहा है, जो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो बहुत सारी योजनाएं होगी, इनको क्यूमुलेटिव करके हमने जो दी गई थी 5-6 पॉइंट बना दिए जो आपके 5 नंबर में काम आएंगे। तो 5 नंबर में आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि पशुपालन विभाग की, ठीक है अभी टाइम है, पशुपालन विभाग की कितनी क्या क्या पहल की गई है जो पशुपालन विभाग को बढ़ाने के लिए, तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखने हैं। वो क्या है कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना सबसे पहले लेके आए पशुपालन विभाग, पशुधन को निःशुल्क आरोग्य योजना। नाम से पता लग रहा होगा कि कोई भी पशु अगर बीमार है तो उसको नियरेस्ट जो वेटनरी उसका डॉक्टर है उससे क्या करेंगे, आप निःशुल्क जांच करवा के उसको ठीक से ही करवाने के लिए योजना लेगी। इसमें कोई भी आपको डाटा याद नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, आपसे डायरेक्ट अगर ये पूछ लिया जाए पशुपालन विभाग क्या कर रहा है इनिशिएटिव के, मेजर इनिशिएटिव बताइए पशुपालन विभाग की, पशुपालन जो है स्थिति है उसको और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर आपको एक साथ लिखना है 5 नंबर 10 नंबर में तो आपको यही पॉइंट काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, पहले सबसे पहला क्या है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य। 5 नंबर में है तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपसे यही सवाल 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ ले, बाय चांस गलती से ये 10 नंबर का सवाल आ जाए कि राजस्थान सरकार पशुधन को या पशु जो विभाग है पशुपालन विभाग है या पशुधन को या पशुधन से रिलेटेड जो सेक्टर उनको प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है उनके बारे में बताइए, ठीक है। तो इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना, क्या कर देना, जो ये बता रहे हैं वही लिखना और कुछ नहीं लिखना। जैसे पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, तो पशुओं के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, तो उससे क्या होगा आपके पास कंटेंट बढ़ जाएगा, पशुओं को निःशुल्क जितने भी बीमार पशु हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा क्या रहेगा, नस्ल सुधार कार्यक्रम। आपको पता होना चाहिए कि नस्ल भी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी गाय की कौन सी बढ़िया नस्ल है, हर कोई वही खरीदना चाहता है, दूध उत्पादन के हिसाब से देख लो, चाहे दूध की गुणवत्ता के हिसाब से देख लो, तो जो नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करना, ये भी सबके लिए है, गाय के लिए, भैंस के लिए हो गया, मुर्गियों के लिए हो गया, सबके लिए जो है ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है नस्ल सुधार कार्यक्रम, ताकि बढ़िया ब्रीड के रहे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्वालिटी भी बढ़ेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पशुधन और कुक्कुट किसानों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। मैं पहले बता चुका हूं कोई स्कीम आ जाए फंड देते हैं 1.25% स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हर एक केंद्र में ये लिखा जाता है कि पशुधन और कुक्कुट किसानों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा देना, ठीक है। चौथा क्या रहेगा, भेड़ और बकरी का आनुवांशिक सुधार योजना। मैं बता चुका हूँ नस्ल सुधार योजना अलग रही थी जो भी ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए, और भेड़ और बकरियों के लिए भी आनुवांशिकता उनको लिए क्या है कि जेनेटिक उनके अंदर में इंप्रूवमेंट के लिए भी एक योजना की गई है कि बढ़िया जेनेटिक वाली भेड़ है बकरी है उनको ही रखो, बाकी जो खराब है उनको हमें नहीं, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। जिन पे ध्यान किसको देना है, भेड़ बकरी जिनको आनुवांशिक तौर पर वो बढ़िया है, जिनकी नस्ल बढ़िया है, ठीक है, उनके लिए अलग से योजना है। फिर एक इंप्रूवमेंट क्या कर रही है कि नाथ द्वारा राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर रही है। कहाँ पे कर रही है, अगर आपसे पूछ लीजिए किसान प्रशिक्षण संस्थान की बात किस कौन से के अंदर में की गई है, कहाँ पे किया गया, तो नाथ द्वारा राजसमंद, वन लाइनर भी आ जाता है कई बार आपके प्रीलिम्स में कि किसान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, तो नाथ द्वारा राजसमंद में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। ये उस पॉइंट को पशुधन कुकुट के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करानी है ना, ये पॉइंट है, तो उसी के पॉइंट के आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने दिया गया कि एक हमें प्रशिक्षण संस्थान भी नाथ द्वारा राजसमंद में शुरू कर रहे हैं। छठा पॉइंट क्या रहेगा आपका,
कि जयपुर में भी एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला भी शुरू की गई है। जैव सुरक्षा प्रयोगशाला नंबर 3 है, वो कहाँ पे शुरू कर रहे हैं? अपने जयपुर में। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है BSL 3 लैब यानी जैव सुरक्षा प्रयोगशाला लैब क्या है, ठीक है? तो इसके अंदर में याद होना चाहिए जयपुर में। तो दो चीज आ गई किसान प्रशिक्षण के अंदर, नाथ द्वारा राजसमंद में, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला, ऐसे भी पूछा जा सकता है BSL 3 लैब, तो BSL 3 लैब है वो कहां पे शुरू कर रहे हैं? जयपुर के अंदर में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए, ऊंट प्रजननों को अब ऑलरेडी 85% है, लेकिन क्या है कि एकाधिकार बना रहना चाहिए उसमें, उस ऊंट के हिसाब से आपको ऊन भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसमें जो राजस्थान एक नंबर है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी नंबर और आगे बढ़ाने के लिए, ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊंट प्रजननों को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपए की प्रदान किए जाएंगे, और ये यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में आपको दिए जाएंगे। पहली बात तो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे 5,000 के हिसाब से। तो ऊंट प्रजनन को क्या है, ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कितने पॉइंट आपके पास में? 7 पॉइंट है, 10 नंबर में आ गए तो बढ़ा के लिख देना। अगर आपसे डायरेक्ट कभी पूछ लिया जाए 5 नंबर में पूछ लिया तो भी 7 के 7 पॉइंट लिखने, आपको 5 पॉइंट लिख के छोड़ मत देना, बहुत आसान पॉइंट है, कुछ नहीं है। दोबारा रिविजन करवा देता हूँ, अगर ये बोलते पशुपालन विभाग क्या कर रहा है प्रमोट करने के लिए, तो देखा होगा आपने ऊंट के लिए भी है इसमें, बकरी भेड़ के लिए भी है, तो टोटल के लिए भी, किसानों को अगर प्रशिक्षण देने के लिए भी बात की गई है, नस्ल सुधार की भी बात की गई है, जितने पशु है उनके लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध की भी बात की गई है। तो एक तरीके से होलसेल हमें पता लग गया कि 7 पॉइंट के अंदर में हम ये बात लिख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे निःशुल्क आरोग्य योजना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई है, नस्ल सुधार कार्यक्रम, पशुपालन कुक्कुट किसानों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा बता देंगे, फिर भेड़ और बकरी के लिए आनुवंशिक सुधार, उनके जेनेटिक के अंदर में सुधार करने के लिए एक योजना बनाई गई है, नाथ द्वारा राजसमंद में किसान प्रशिक्षण के अंदर शुरू किया गया है, फिर आपके जयपुर के अंदर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला तैयार की गई है इन पशुओं के लिए, ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिए जाएंगे, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब ये हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में, हमने सिर्फ एक कलेक्टिवली देख लिया क्योंकि कोई भी योजना इतनी बड़ी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, वो योजना सिर्फ कृषि क्षेत्र वाली थी। पशुधन के अंदर में डायरेक्ट अगर ये पूछा जाए पशुधन के हिसाब से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमने कलेक्टिवली बता दिया, बाकी सारी उसके अंदर में अलग से योजना नहीं है। अब ये क्या आ गया हमारे पास में, डेयरी डेवलपमेंट के बाद में, ठीक है, जितना भी हमारे पास दुग्ध उत्पादन हो रहे हैं वो उसकी क्या क्या है, क्या ढांचे हैं, संस्थागत ढांचे क्या है, कौन कहाँ से, कितने हमारे पास में दुग्ध संयंत्र है, कौन सा फेडरेशन है जो इसको कंट्रोल करता है, इसके अंदर में है क्या, कितना दुग्ध उत्पादन होता है, तो ये सारा देखने के लिए हमारे पास में ये फंड है। देखो 17,463 डेयरी सहकारी समितियां, ये देख रहे हो आप, डेयरी सहकारी समितियां हैं, ठीक है, जो उनको राज्य भर में फैली 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यूनियन, ये कितने हैं, सीधा पूछते हैं 24 है, जो लेटेस्ट बने थे ना राजसमंद उदयपुर, यहाँ भी उनसे राजसमंद जैसलमेर पूछे थे, वो भी डायरेक्ट पूछे गए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने हैं, पहले 21 थे फिर 22 हुए, अब जो वाला सर्वे है उसके अंदर में दिए कितने गए अपने पास, 24 है, तो ये पूछा जाएगा राज्य के अंदर में कितने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, तो सारे कितने जिले कितने भी हो, अभी तो चलो बढ़ा के 50 भी करने वाले हैं ये, लेकिन अभी तक 33 जिले हैं तो सब में नहीं है, 24 जिले में अंदर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है आपके पास में, ठीक है, और एक राज्य स्तरीय सर्वोच्च निकाय है जो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है RCDF, ये वाला, तो 3 स्तरीय संरचना है जो डेयरी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। आपसे अगर संस्थागत ढांचा या संरचना पूछी जाए तो कोई भी डेयरी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, तो आपको इसी तरीके से वहां पे बना के आना डायग्राम कि 3 स्तरीय संस्थाएं, सबसे पहले आता है अपना राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, उसके नीचे जो आपके पास आते हैं 24 जो देख लो डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन आते हैं आपके पास, ठीक है, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जिला स्तर पर, और उससे भी नीचे अगर आप बोल दो स्टेट के नीचे, स्टेट लेवल पे आपके पास राजस्थान आ गई, नीचे वाले डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी DCS, ये कितनी है 17,463, कभी पूछ ले तो 17,463 गांव में देखा हो आपने डेयरी होती है, डेयरी वाला आता है सबसे दूध लेके जाता है, वो कलेक्ट सबसे पहले कलेक्ट करते हैं दूध यहाँ पे 17,463, वो कहाँ पे जमा किया जाता है, यूनियन है जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है वहां पे सारा का सारा दूध दिया जाता है। उसके बाद में फेडरेशन क्या करता है कि आपने देखा होगा सरस यहाँ भी बिकता है, सरस बार भी बिकता है, गुजरात के बार भी बिकता है, अमूल वाला देख लो आप वहां पे बिकता है जहां पे है गुजरात का, लेकिन सारे देश में भी बिकता है। तो जो इंटरस्टेट आप मार्केटिंग करनी है, इंटरस्टेट बेचने वाला ट्रेड है उसको कंट्रोल करना है, और यू सबसे ऊपर कंट्रोल करेगा फेडरेशन आपका। उसके बाद आपके पास में जो दूध का
आपका प्रोक्योरमेंट है यहाँ से शुरू होता है, डीसीएस से शुरू होता है आपका, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है 17463 वो दुग्ध का इकट्ठा करती है, 24 जो आपके पास जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है उनके पास वो जाता है, वहां पे पैकेजिंग होकर सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का सारा काम ये कौन करता है, फेडरेशन करता है, जो राज्य स्तर के हिसाब पे कौन सा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, एक ही है आपका, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय संरचना रहेगी आपकी, हमेशा आपसे पूछ लिया जाए, एक ये रहेगा, फिर आपके नीचे यहाँ पे 24 जिला दुग्ध सहकारी संघ है, उसके हिसाब से 17400 कितने हैं आपके 17463 हो सकता है नहीं पीछे, लेकिन 24 आपसे जरूर पूछा जाएगा, कभी पूछा जाए जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कितने हैं, तो वो हमेशा याद रखना 24, ठीक है, हो गया। अब यहां पे चार योजनाएं हैं लगभग, शायद चार योजनाएं हैं जो जिला दुग्ध उत्पादक वाले हैं उनको, जो वो भी तो है ना दूध उत्पादन करने वाले, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए, जब सबको मिल रहा है, प्रोड्यूस एनिमल वालों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो यहाँ पे इनके लिए भी इंश्योरेंस स्कीम जारी की गई है, मिल्क जितने भी प्रोड्यूसर है ना उन मेंबर्स है उनको RCDF जो एक फेडरेशन है वो क्या करता है, चार इंश्योरेंस स्कीम देता है आपको, ये पूछी जा सकती है। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो जरूर ये जरूर पूछ लेंगे कि जो दुग्ध उत्पादक है जो है प्रोड्यूसर है उनके लिए जो क्या इंश्योरेंस स्कीम क्या है, आप नाम बताओ, नॉर्मल के लिए दो नंबर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल चार स्कीम है तो दो नंबर में आपको नाम लिखने का काम आएगी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राज सरल सुरक्षा कवच बीमा योजना, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, सरस दूध आपको पता ही आता है राजस्थान का है, राजस्थान में सरस दूध वालों के लिए सुरक्षा कवच बीमा योजना जारी की गई है 1 जनवरी 2022 से, नई योजना याद कर लो। एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हर व्यक्ति को मिलेगा जो इसमें काम कर रहे हैं, दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु हो जाए या पूर्ण स्थायी अपंगता के मामले में तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, या आंशिक रूप से स्थायी अपंगता के मामले में 2.5 लाख रुपए की राशि दे है। तो पूर्ण अपंग हो गए तो 5 लाख, मृत्यु हो गई तो 5 लाख, अगर आंशिक रूप से अगर वो अपंग हो रहा है तो उसको कितनी जाएगी 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लो कि मान लो दूध बेचने वाला है बेचारा, रोज का काम है उसका, सुबह सुबह आता है वो 5 बजे सबके यहाँ से दूध इकट्ठा करके लेके जाता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, तो उनको एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम दी गई है कि व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, उसके लिए कवच निर्धारित किया गया कि आपको मृत्यु या पूर्ण रूप से अपंग हो गई तो 5 लाख रुपए देंगे, अगर आंशिक रूप से अगर अपंगता आती है तो उसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और याद रखना ये कब आएगी 1 जनवरी 2022 को सारी की। एक और योजना थी 1 जनवरी 2022 को याद कर लिया करो, ठीक है। एक योजना अभी पिछले वाले कृषि वाले के अंदर में क्या था, 2 नंबर वाला किया था जो हमने, 3 योजना ये रही जो क्या है, एक दूसरा क्या सरस के हिसाब से सरस सामूहिक आरोग्य बीमा जो पहले जारी की गई थी, ये व्यक्तिगत वाली तो अभी जारी की है, सबसे लेटेस्ट वाली तो वही है, या तो 2 नंबर वही पूछ लेंगे या आपसे नाम पूछ लेंगे कि मिलक दूध उत्पादन वालों को इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के 17वां चरण चल रहा है यहाँ पे, देख लो इतने पुरानी है ये, ठीक है। 15 अक्टूबर 2022 से 17वां चरण चालू कर दिया गया है, इसके अंदर में कितने दुग्ध उत्पादकों को बीमा दिया जा चुका है इससे कोई लेना देना नहीं है, नाम याद रखना है योजना का, 17वें चरण में चालू हो रही है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, इसलिए सिर्फ नाम पूछे जाने की संभावना है क्योंकि इसके अंदर में कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको 5 नंबर का नहीं पूछा, 2 नंबर में पूछा जाएगा दूध उत्पादकों से संबंधित कितनी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो चारों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा। फिर तीसरा क्या रहता है आपके पास, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ठीक है। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जो भी दुग्ध उत्पादक है अब वो प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, फिर लोग खरीदते नहीं है, तो इसलिए क्या दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की गवर्नमेंट क्या कर रही है सब्सिडी दे रही है, पहले ये था 2 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि 2 रुपए के हिसाब से था, अब इसको कितना कर दिया है 5 रुपए की, क्योंकि प्राइस ऐसे याद कर लिया करो दूध के प्राइस बढ़ गए हैं, तो इस हिसाब से इनको सब्सिडी थी वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक है उनको संबल देने के लिए 5 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है अभी, ठीक है। चौथी रहेगी वो रहेगी आपकी चारा बीज वितरण, अब पशु है उनको क्या है दूध उत्पादन कर रहे हैं तो उनको चारा भी टाइम से मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट यहां तक काम करती है कि चारा भी वितरित का काम करती है, इसके अंदर कुछ नहीं है, जिला दूध संघों को रियायती दर पर 5806 क्विंटल उन्नत फसल चारा बीज की आपूर्ति के लिए RCDF की व्यवस्था की गई है, फेडरेशन है वो 24 जो जिला दूध उत्पादक सहकारी समिति है उनको ऐसे बीज प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे 5800 क्विंटल का उन्नत चारा फसल बीज है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ताकि उन्नत चारा पैदा हो सके उससे दूध का उत्पादन ज्यादा होगा, जैसे चारा खाएंगे वैसे ही दूध का उत्पादन वैसे ही होगा आपके पास, तो चार योजना हो गई है, ठीक है, याद कर लेना। पहला क्या रहेगी राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, दूसरा क्या रहेगा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, तीसरा क्या रहेगा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जहां पे 5 रुपए पर हिसाब से लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, और चारा बीज वितरण योजना यहां पे चारा का वितरण देखा जाता है, तो चार योजना है जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो तीन स्तरीय व्यवस्था रहेगी आपकी। सबसे पहले फेडरेशन आता है, जिला दुग्ध उत्पादक जो समितियां 24 है वहां पे संघ जो 24 रहेंगे, उसके अलावा नीचे आता है डीसीएस, यानी ठीक है अपना। या आज की क्लास के अंदर में हम इतना ही करेंगे, कल हमारे पास जो अब बचा हुआ क्या है, देखो पशुधन देख लिया हमने, कृषि देख लिया जितने सेक्टर किया था, अब देखना है फिशिंग वाला। फिशिंग वाले के अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही योजना चल रही है, सिर्फ वो देखना है अपने को। फिर उसका देखना फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के अंदर में भी इन्वायरमेंट आ गया, मतलब वानिकी मतलब इन्वायरमेंट, तो उससे संबंधित क्या क्या योजना है वो देखा जाएगा। फिर हमें पास में उसी सेकंड चैप्टर के अंदर में ही दिया गया है वाटर के आराम से, वाटर डेवलपमेंट यानी कितने डैम हैं, हर डैम के अंदर में कौन कौन सी योजना चल रही है, तो वो भी हम कृषि के साथ में कर लेंगे सेकंड चैप्टर के, तो वो हम करेंगे कल कंप्लीट। ठीक है, जितने भी योजना है उनको एक साथ लिख लेना, ज्यादा योजना नहीं है, आपको अभी ज्यादा लग रही होगी लेकिन जब एक बार देख लो कृषि से संबंधित सारी योजना एक साथ देखोगे, फिर दूध के उत्पादन के हिसाब से आपने देख लिया कि दूध के उत्पादन में ज्यादा कुछ है नहीं दिया हुआ, चार योजना दी गई जिनका नाम पूछा जा सकता है। इसी तरह से फिशरी में बहुत कम रहेगा, फॉरेस्ट्री वानिकी है उसके अंदर में बहुत कम रहेगा, वाटर डेवलपमेंट के अंदर में हो सकता है आपसे कुछ पॉइंट आ जाए, जैसे कौन सा डैम कहाँ पे है उसके अंदर में ज्यादा पूछा जाएगा, जनधत्री वही पूछा जाता है तो उसकी एक प्रॉपर टेबल होगी, वहां से हम याद कर लेंगे जितना दिया गया पहले सेकंड चैप्टर के अंदर में। ठीक है, वो कल करते हैं। थैंक यू सो मच।